है अपना है, उस कुंज में रह करके इसमें सबसे अधिक आनंद उपभोग करने के कारण उनका नाम सानंद सुखद कुंज। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसी की भावना करके उसमें भजन करते थे। और एक बात, जब दोनों गुरुवर्ग आलोचना होता था, हमारे जो गुरुवर्ग हैं उनमें से अधिकांश ही रूप मंजरी की अनुगत में भजन करना चाहते हैं, उनकी सेवा प्रार्थना करते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर रूपानुगम वैष्णव होने पर भी उनका अनंग मंजरी के थोड़ा कुछ झुकाव है। इसका कारण क्या है? ये भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, अधिक दूर नहीं है उनका पाठ है वो। ये उनका मेन कौन है? जानलावा देवी जी अनंग मंजरी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत कीर्तन में ये जानलावा देवी एवं अनंग मंजरी की महिमा या गुणगान कीर्तन करके दिखाया। इसी कारण हमारे गुरुवर सभी लोग भक्ति विनोद ठाकुर को छोड़ करके रूप मंजरी का दिखाया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर रूप मंजरी के साथ साथ विशेषकर बहुत जगह में ये अनंग मंजरी या जानलावा देवी का दिखाया। ये तात्पर्य जो है सानंद सुखद कुंज, ये था हम आविष्कार सब जानते ही हैं। और उस दिन मैंने बताया था कि अभी ये धाम परिक्रमा का सेंटेनियल चल रहा है 2020 में। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर 14 मार्च से परिक्रमा शुरू किया था, इसलिए ये धाम परिक्रमा का सेंटेनियल चल रहा है। प्रभुपाद है कौन, इसके लिए बताया था प्रभुपाद PRABHUPADA अर्थात पारुल दासी। प्रभुपाद है कौन? ये महाप्रभु के लीला में सिद्धांत सरस्वती और राधा कृष्ण के लीला में नयन मणि मंजरी। ये मंजरी को कहा जाता है पल्लदासी या किंकरी, उनको रति को भवोल्लास रति कहा जाता है। ये पल्लदासी है कौन बताया? पल्लदासी सचा प्रोक्ता परिपल्ला प्रियम वदा या मनोवृत्ति रूपेण या नित्य परिचारिका। पल्लदासी सचा प्रोक्ता, वही लोगों को ही पल्लदासी कहा जाएगा। उनको किसको? परिपल्ला प्रियम वदा, जिनको राधिका परिपल्ला विशेष रूप में पालन पोषण करती हैं, सब करती हैं, लेकिन मंजरी के ऊपर राधिका जी के वैसी माइनस भाव है और सखी के प्रति नहीं, और सखियां उनके बराबरी होने के कारण राधिका उनके तो डांटेगी नहीं, बिना कारण रूप मंजरी को रति में डांटेंगी। ऐसे कुछ काम हुआ कि राधा जी छिप गई, कृष्ण ढूंढे मिले नहीं, चित्ता सूचित कर दिया, राधिका भोतान रही है रूप मंजरी की रोती मंजरी को। लीला निकुंज कुंवर भवती मुकुंद श्लोक में दिखाया, उनका ममता भाव है राधिका कैसे परिपाल्ला और प्रियम बदा, उनको ऐसे ट्रेन किया राधा जी ने, सब लोग सबसे मधुर भाषिनी है। या मनोवृत्ति रूपे, उनका मनोवृत्ति क्या है? सब समय नित्य काल परिचर्या करना है। एक सेवा हो गया, फिर किंग करोमी उसकी क्या सेवा करूं, इसलिए उनको किंग करी कहा गया, ऐसे कहा करते थे। ये प्रभुपाद का पी से प्रभुपाद। तो ये मंजरी किसकी है? पल्लदासी, क्या चंद्रावली की, ये सरीफा की या समला की? राधिका, राधिका के पल्लदासी, दूसरे के नहीं। और PRA में एनी टाइम हरि कथा, प्रभुपाद के पास एक छोटा बच्चा भी आ जाते थे ना, हरि कथा शुरू करते थे, हरि कथा रुकते नहीं थे। गुरुदेव कहते एम्बडीमेंट ऑफ हरि कथा, कोई है नहीं चले गए तो जाते भी नहीं थे, अगर भी कोई आ जाए हरि कथा सब समझ। और बी फॉर बोल्ड प्रीचर, इतने साहसिक प्रचारक थे किसी का कोई परवाह नहीं करते। अगर प्रभुपाद नहीं आते, हम लोगों में से जिधर बैठे हुए हैं दीक्षित व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, उनका कभी भी उपनयन संस्कार होने का कोई संभावना नहीं था।
दैव वर्णाश्रम धर्म पहले से ही शास्त्र में वर्णित है, तो प्रचार कोई समाज के डर से कर नहीं सके। प्रभुपाद इसको इतना सुंदर प्रचार किया, इस प्रसंग में एक बार गुरु जी कथा सुनाया था, प्रभुपाद को ब्रह्मचारी को बनारस यूनिवर्सिटी में भेजा था। एक है हयग्रीव ब्रह्मचारी जो बाद में भक्ति देते माधव गोस्वामी महाराज हुए, और एक सोची सुनो ब्रह्मचारी जो आगे चलकर के भक्ति दर्पण गोस्वामी महाराज बने थे, उन लोगों को भेजा था। जो उधर संस्कृत डिपार्टमेंट के डीन थे उनके घर में गए, तो कहाँ से आए हो? मायापुर से। ओ मेरे गुरु का नाम यही बताया प्रभुपाद, जो दूसरे धागा पहना करके ब्राह्मण बनाते हैं वो लोग बिगड़ गए, जैसे कोबरा है सांप, उनका बच्चा भी ऐसे विषधर है और अधिक गुस्सेला है, वो लोग हो गया चढ़ गया पार, ऐसे करके खंडन किया, वो कुछ उत्तर नहीं दे सके। एक बार ये पूछ रहे, एक बार वो कुछ, दोनों ब्रह्मचारी उत्तर नहीं कर रहे हैं, और वो कांपने लगे, पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया। उसकी पत्नी आई, तुम ये मेरे पति बुढ़ा को मारोगे क्या? तो आपके पति ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोला? फिर क्षमा मांगे क्या भिक्षा भी दे बोला, ऐसे ले नहीं आए हम, गुरु के कोई बोलेंगे उनका जीवा कर्तन कर देंगे, जीवा काट देंगे शास्त्र युक्ति पर। इतने बोल्ड प्रचारक थे, बी फॉर बोल्ड प्रीचर, बहुत साहसिक प्रचारक, एच ऑनेस्ट, ऐसे कहा जाता है, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत मा ब्रुआत असत्यम प्रियम बा सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो, यदि कोई प्रिय हो लेकिन असत्य से मत बोलो, या सत्य सत्य हो लेकिन अप्रिय सुनने में अप्रिय लगे उसको मत बोलो, प्रभुपाद से परवाह नहीं करते, जो सच है कहना ही पड़ेगा, भले ही दूसरे को अप्रिय लगे लेकिन कहना ही पड़ेगा। प्रभुपाद हम समाज सुधारक है, हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? इसलिए प्रभुपाद डंक में चोट पर कह दिया, जब सन्यास नहीं हुआ था उस समय मेदिनीपुर बालीखाई में एक सभा हुआ था, उन सभा में सब लोग भक्ति ठाकुर को बुलाया, ऐसे ब्राह्मण लोग बहुत तंग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद उस समय बिमला प्रसाद थे उनको भेजा, साथ में राधा रमन जो वर्तमान मंदिर है वृंदावन के, उनके वंश उनके गोस्वामी अपनी परंपरा में, अब ये पद्मनाभ गोस्वामी उनके पिताजी विश्वम्भर गोस्वामी उन्हीं के पूर्वज किसी को साथ में दिया था, भक्ति ठाकुर का बहुत रिलेशन था, उन्हीं के साथ सब जाता था, सब सुनता था, सब गए जाके पहले ही प्रभुपाद क्या किया, ब्राह्मणों का गुणगान करने लगे, ब्राह्मण बहुत खुश यारे, ब्राह्मण इतना गुण ऐसे है वो लोग समझ नहीं सके, दिख रहे पहले किसी का खंडन का भी थोड़ा प्रशंसा कर दो, उसके बाद प्रभुपाद शुरू किया कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारादिजोच्यते वेद पाठाद भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, ब्राह्मण हो शूद्र हो सभी का संतान उत्पत्ति करने का एक ही तरीका है। फिर जब संस्कार होगा, पहले हमारा बायोलॉजिकल बर्थ है, माता पिता से जन्म लेते हैं, बाद में द्वितीय जन्म, उस समय माता है गायत्री मंत्र, पिता कौन? गुरु आचार्य या पुरोहित। फिर संस्कार दिए वेद पाठा, जब वेद उच्च योग्यता लाभ करते हैं तब बता के कहते हैं विप्र, और ब्रह्म जानाति भगवत अनुभूति संपन्न होने पर ब्राह्मण, ऐसे कर खंडन किया, ऐसे इतने और ये ऑनेस्ट थे, और यू अंडर गाइडेंस ऑफ गुरु एंड गुरु परंपरा। जब गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहा, इनकार कर दिया, बता मैं नीताई गोल से पूछूंगा, ऐसे करके करके कुछ दिन बिताया, तब प्रभुपाद क्या किया, प्रतिज्ञा कर लिया उनसे ही दीक्षा लेनी है। महाप्रभु के दो प्रेमावतार है, एक नरोत्तम ठाकुर जिनका प्रेम जिनके लिए प्रेम महाप्रभु परमा के पास रख के गए थे, और इनके लिए प्रेम जगन्नाथ के रूप में आके उनको प्रदान किया,
उनकी जब प्रभुपाल 6 महीने के थे 3 दिन रात रुके, फिर बाद में जब भक्ति द्वैत माधव वैष्णव स्थान कर लिया 79 में, फिर आके 3 दिन वहीं पर रुका जगत को दिखाने के लिए कि यही मेरा प्रिय परिकर का स्थान है जो वैष्णव पता अच्युत कमे पुरुषोत्तमात, ये दिखाने के लिए फिर 3 दिन रुके जगन्नाथ देव। ये कथा मैं 7 टाइम का पूज्यवत भारती महाराज भारती को सभी सुना था। प्रीच फियरलेसली जो बताया, कभी भी प्रचार में वो डरते नहीं थे क्या होगा नहीं होगा, इनके निर्भीक भावे प्रचार करने के कारण क्या हुआ, ये पूरा मातला जो कल हम लोग जाएंगे उनको मारने के लिए तैयारी किया था, वो लोग प्री प्लान था मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, प्रभुपाद नहीं ऐसे प्रचार नहीं कर सकते, वो जान के लिए परवाह नहीं करते, इतने निर्भीक थे। फिर ए अगेंस्ट ऑफ मनीजिंग, ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे, बोलते जब तक अद्वैतवाद जगत में रहेगा शुद्ध भक्ति का प्रचार संभव नहीं है। ये महाप्रभु भी दिखाया जो 4 वैष्णव संप्रदाय है, इन 4 वैष्णव संप्रदाय में सब में अद्वैत का गंध है, विशिष्ट अद्वैत मीन्स स्पेशलिफाइड मनीजिम, फिर शुद्धाद्वैत प्यूरिफाइड मनीजिम, द्वैताद्वैत डुअलिज्म एंड मनीजिम, इसके लिए मध्वाचार्य के लिए डुअलिज्म केवल द्वैतवाद, इसलिए प्रभुपाद अद्वैतवाद के घोर विरोधी अगेंस्ट ऑफ मनीजिम। डी डेडिकेटेड टू गुरु परंपरा, वर्तमान समय में हम ये बहुत जगह में देखते हैं अपने केवल गुरु को मानेंगे किसी को नहीं, अगर गुरु परंपरा को नहीं मानेंगे ये पावर कहाँ से आएगा, बल्कि ये अपने गुरु को मानेंगे वैष्णव को परवाह नहीं करेंगे तब नहीं होगा। भागवत में टीका में चक्र ठाकुर ने बताया भस्म उजिश, जैसे हम लोग हवन करते हैं जल्द ही आग पर हवन सामग्री घी देके स्वाहा करते हैं, आग न हो केवल भस्म हो उस स्वाहा का कोई कीमत नहीं है, ऐसे केवल गुरु को मानेंगे वैष्णव को अंगूठा दिखाएंगे, गुरु जी कहते अंगूठा दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नारायण चक्र ठाकुर ने बताया वैष्णवा एवं गुरु, वैष्णव मात्र ही गुरु है, इसलिए प्रभुपाद ने दिखाया समस्त वैष्णव को समस्त वैष्णव आचार्य को सम्मान दिया, ये प्रभुपाद का गुण है, गुरु एंड गुरु परंपरा में समस्त गुरु को सम्मान दिया। ए ए ये इसमें दिखाया ऑलवेज एंगेज द सर्विस ऑफ महाप्रभु एंड डिवाइन कपल, महाप्रभु के लाइन में जो आए हैं वो क्या करते हैं, जब परफेक्शन के बाद उनको आत्मा द्विधा विभक्त होता है तो एक महाप्रभु के लीला में जाकर के महाप्रभु उदार जमय सेवा करते हैं और दूसरे राधा कृष्ण के शिष्य में सेवा करते हैं। प्रश्न हो सकता है कि ये तो अभी साधक रूप में है, ये दो जगह कैसे सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद साधक नहीं है, साधु को चित्त दिखा रहे हैं। इस प्रश्न गुरु जी के बाद बता देता हूँ, जब गुरुदेव पहले मठ में आए बांग्ला तो नहीं जानते थे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखा, किसी ने उनको बताया सुबह प्रवचन के बाद ओ नारायणपुर तुम जय दो नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद शिल भक्ति प्रज्ञान के सब स्वामी महाराज की जय, सब लोग हंस रहे हैं और उनको समझा रहे हैं समझे नहीं, बोले तुम्हारे प्रभुपाद नित्य लीला प्रविष्ट है, हमारे गुरुदेव की कम प्रभुपाद से कम है, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रभुपाद तुम्हारा गुरु है तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ है, हमारे गुरुदेव हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट, मेरा गुरु भी नित्य लीला प्रविष्ट, कोई माना नहीं सकते। ये अपने चलिए किसी के पास मानेगा नहीं, ये पुलिस है, चलो केशव महाराज के पास, सब लोग गए गुरु जी भी गए, बताया ओ महाराज जी देखो आपके बेटा क्या कह रहा, क्या कहा, बोला आप तो अभी जीवित है आपको नित्य लीला प्रविष्ट करा दिया, बोला क्या बोला, बोले नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, तो
परम गुरुदेव प्रभु स्वयं बोले बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल ठीक कैसे? जो सदगुरु हैं, जो साधक नहीं हैं, वो क्या करते हैं? इस जैसे नरोबत लीला में हम लोगों को उद्धार करने के लिए जगत में साधकोचित व्यवहार दिखा रहे हैं, एक स्वरूप में वो क्या करते हैं, महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, और एक स्वरूप में जुगल किशोर की सेवा कर रहे हैं। केवल यही नहीं, महाप्रभु के जिस जिस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ लीला चल रहा है वहीं पर है, और जुगल किशोर की लीला जिस जिस ब्रह्मांड जहाँ पर उधर भी उपस्थित है। इसलिए जैसे भगवान के अनंत स्वरूप है, ऐसे रूपी करो कभी अनंत स्वरूप है, सब जगह में सेवा करते हैं। बोले मेरा गौ नारायण जी बोला बिल्कुल ठीक कहा है। इसलिए ए में अवय सर्विस और महाप्रभु अंडी भाई का पुल हरे कृष्ण। ध्यान रखो आपके शिष्य ना करने लग जाए, ध्यान रखो ऐसा फिर शिष्य आपके ना करने लग जाए। मैं तो बता दिया जो लोग सिद्ध हैं, इसलिए वो लोग क्या करे, वो लोग जीव नहीं है, साधक नहीं है। गौर प्रेमानंदे हरे हरे महाराज जी प्रभुपाद को विषय पर बहुत कुछ बात बताए। हम तो सोचते थे नरसिंह देव की कथा सुनाएंगे, उन्होंने प्रभुपाद के बारे में, इसलिए मैं दूसरा प्रभुपाद के बारे में बता देता हूँ। ओम ज्ञान बिंद्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। अच्छा जोर से बोलो गुरुपाद पद्मा निखिलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा निखिलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। गत कले हम लोग श्रीला प्रभुपाद के समाधि पर गए, इसलिए महाराज जी प्रभुपाद को विषय पर उन्होंने कुछ प्रकाश उन्होंने डाला है। कल भी मैं सोच रहा था कुछ प्रभुपाद के विषय पर बोलूँ, लेकिन दूसरे दूसरे भक्त लोग ने बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, मैं भी थोड़ी सी प्रभुपाद विषय पर बोल देता हूँ। कहते जो प्रभुपाद है, मेरे गुरुदेव कहते हैं जो प्रभुपाद का जो स्वरूप है, कहते एक तो जो अनर्थ युक्त व्यक्ति है उनको पास में इनका स्वरूप एक तरह से प्रकाशित हुआ। जो अनर्थ से जो मुक्त हैं, जो प्रभुपाद का जो परिकर हैं, कहते उनको पास में प्रभुपाद का स्वरूप दो रूप में दूसरे स्वरूप में प्रकाशित हुआ। कहते ये मेरे गुरुदेव ये बात कहते हैं, इसलिए कहते जो अनर्थ युक्त व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति, उनको पास में प्रभुपाद का स्वरूप क्या प्रकाश हुआ, कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उसी समय का
जितने बड़े बड़े विद्वान लोग मिल करके ये उपाधि उनको प्रदान किया है, कहते ये भक्ति सिद्धांत में दूसरे सरस्वती है। ये बात देवश्री सरस्वती इतने विद्वान थे प्रभुपाद जी, इतने विद्वान थे प्रभुपाद जी, एक समय जो एक जो एस्ट्रोलॉजर का जो प्रिंसिपल था उनको साथ में एक अयनांश को लेकर के विचार, अयनांश मतलब होता है जब ठंडा के बाद में गर्मी बाद गर्मी के बाद ठंडा, जब सूर्य अपना दिशा को बदलाता है, उसी विषय को लेकर के प्रभुपाद ने ऐसे विचार बताया जो प्रिंसिपल था जो चेयर के ऊपर बैठ करके इनके साथ में तर्क वितर्क कर रहा था, प्रभुपाद वो विचार सुन सुन करके वो कुर्सी में तो पेशाब और पायखाना ले गया इनकी विचार को सुन करके प्रभुपाद जी। इसलिए बोले आप कृपा करके ये कुर्सी को स्वीकार करो। प्रभुपाद ने कहा देखो मैंने ये तारा और मैंने ये ईट पत्थर को मैंने गिरने के लिए नहीं आया, मैं तो श्री महाप्रभु का एक पियन बन करके केवल उनका वाणी को प्रचार करने के लिए आए। बोले देखो प्रभुपाद जब आप जब तक इसी दुनिया में रहेंगे कहती है कुर्सी में आपका सिवाय कोई इसमें बैठ नहीं सकता, ये कुर्सी आपके लिए खाली रहेगी। इतने विद्वान श्री उस समय प्रभुपाद इतने विद्वान थे, इसलिए सबके सब इनका जो जो टाइटल दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन जो इनका जो निजजन इनका जो पैकर थे उनको पास में प्रभुपाद किस रूप में अभिव्यक्ति हुए हैं, इसलिए जिसको भक्ति रखकर श्री श्रीधर गोस्वामी कहते हैं बोले प्रिसभानो सोता तई तानो चरम चरना श्री तरे महाद्भुत पावन सती पद प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद प्रणमामि सदा प्रभु पाद प्रणमामि सदा प्रभु पाद प्रणमामि सदा प्रभु पाद उनका जो नित्य परिकर हैं उनको पास में बोले वृषभान सुता दही तानुचरम, इसलिए उनको वंदना में बताए श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नाम ने श्री भार्षभान भी देवी दईताय कृपा, इसलिए कहते जी राधा रानी की ये नयन मणिमंजर रूप में प्रकाशित हुए हैं। जब अपना गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज में जब ये सेवा में संलग्न थे राधा रानी स्वयं कहती कहती हैं बोले नयन मणिमंजरी जाओ ये जगत में देखो जीवों का जीव लोग कितने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, तुम जा करके जीवों को उद्धार करो, जीवों को उद्धार करो, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को ले करके अपना साथ में जाओ। इसलिए प्रभुपाद जब आए जैसे महाप्रभु इसी जगत में वो अकेले नहीं आए, सपार सदस्य धाम सह अवतरी अपना धाम और परिकरों को लेकर के आए, उसी तरह प्रभुपाद भी वो अकेले नहीं आए। इसलिए कभी कभी जो बाबा जी संप्रदाय लोग कभी कभी हमारी गौड़ीय मठ वो कहते हैं आपके चिवड़ा चूसने वाले हैं गुठली चूसने वाले हैं, यदि ये मंजरी स्वरूप का कोई है ये तो कोई मंजरी स्वरूप देते ही नहीं है, ये तो केवल छिवड़ा चूसते केवल वैदिक भक्ति की बात करें तो बिल्कुल ऐसे नहीं, प्रभुपाद ने अपना शिष्यों का सिद्ध स्वरूप उन्होंने बताया है। इसलिए मेरे गुरुदेव का नाम ही उन्होंने ब्रह्मचारी का नाम सिद्ध स्वरूप नाम दिया है, अपना स्वरूप में जो सिद्ध है और भक्ति इन्होंने जो विनोद विहार किसका नाम है हमारे भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी उनको अंदर में छुपा हुआ उनका नित्य मंजरी स्वरूप उन्होंने विनोद नाम दिया, या जैसे भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज उनका स्वरूप उन्होंने बताया कभी बिगड़ा मंजरी ये बिगड़ा मंजरी है। इसलिए प्रभुपाद ने हैं लेकिन उन्होंने अधिकार को देख कर ही उन्होंने दिया, ऐसे नहीं मंदिर में आया शौच क्रिया आदि जानते नहीं, शौच क्रिया के बाद में कितना बार हाथ धोना जानते नहीं, उनको लड्डू मंजरी पचौड़ी मंजरी रसगुल्ला मंजरी हाँ जिलेबी मंजरी उनका नाम मंजरी 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 नाम दे दिया। इसलिए प्रभुपाद इसी विषय पर बहुत विरोध थे,
इसलिए उनको सहजिया बताया। सहजिया मतलब क्या है, है? तो जब सिद्ध स्वरूप को बाद में जो स्वरूप प्रकाश होता है उनका भी श्रद्धा ही नहीं, उनकी शास्त्रीय श्रद्धा ही नहीं, उसी समय में ही उनको वास उनको सब सब रसगुल्ला लड्डू मंजर नाम दे दिया है, है? बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए प्रभुपाद ने अपना समय देख कर उपयुक्त व्यक्ति को उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप नाम उन्होंने प्रदान करते हैं प्रभुपाद। इसलिए महाप्रभु बोल राधा रानी बोले तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को ले करके जाओ। इसलिए प्रभुपाद ने अपना परिकरों को साथ में ले करके आए और ला करके उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आश्रय नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे वरनाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में क्या होगा, मेरा नाम घूम उठेगा। यद्यपि ये बात को श्री महाप्रभु जिसको द्वारा जितना करवाना चाहिए था उतना करवाया, लेकिन अगर ये वाक्यों को पूर्णतम रूप में देखो तो ये वाक्यों को जगत में किसने सार्थक करवाया, बताओ किसने सार्थक कराया? कहते श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये वाक्यों को पूर्ण रूप में उन्होंने तो किया ही है, उन्होंने तो किया ही है, लेकिन उसका साथ साथ में हम कहते हैं फले न परिचयते। वृक्ष का महत्व कब है, बोले फल से महत्व तो पता चलता। अगर घर में कोई बबुल का पेड़ बोले इसको काट दो कि उसमें कोई फल आएगा नहीं, है काटा, लेकिन अगर कोई चीकू कोई है कोई आम का कोई बड़े सुंदर अंगूर का वृक्ष हो तो बोले पानी दो इसको पेड़ को पालो कि भविष्य में ये फल देगा। कहते ये जो वृक्ष का महत्व फल से, लेकिन ये ऐसे एक दिव्य वृक्ष हुए हैं इसमें क्या एक एक फल निकला, अद्भुत एक एक फल निकला। हमको हम सुनते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, महाप्रभु का परिकर एक एक परिकर एक एक ब्रह्मांड को तार देते हैं। अगर अगर दिखाई पड़े ना किसकी शिष्यों के अंदर में, चलो प्रभुपाद का शिष्य के अंदर में दिखाई पड़े, देखो भक्ति प्रताप स्वामी महाराज देखो या एक दिव्य फल हुए हैं विश्व ब्रह्मांड में, ये कृष्ण भक्ति को कैसे उन्होंने प्रचार प्रसार किया विश्व ब्रह्मांड में। हमारे गुरुदेव को देखो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को देखो, भक्ति हृदय बद गोस्वामी महाराज को देखो, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, ये एक एक फल है। इन लोगों ने जिस तरफ गई ना जिस तरफ गई, देखो इसी संसार में बेटा ही पिताजी का बात नहीं सुनता है, बेटा ही पिताजी का बात नहीं सुनता है, लेकिन प्रभुपाद ने क्या उन्होंने किया, ऐसे ऐसे शिष्य इनके बने जैसे हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। ये प्रोण माया तला में जिस समय प्रभुपाद का प्रचार चल रहा था उसी समय सारा दुनिया में टहलका मच गई थी, प्रभुपाद का प्रचार से सारा दुनिया में खिलबिल मच गई थी, है? एक समय श्री प्रभुपाद को आकर किसी ने कहा, प्रभुपाद अगर दो चीजों को अगर छूट दे दोगे ना, ये पृथ्वी का जितने संप्रदाय सबके सब की संप्रदाय, बोले एक चाय और एक बीड़ी दो, एक चाय और एक चीज का अपने छूट, लेकिन प्रभुपाद ने कहा देखो मेरे को एक चंद्रमा की जरूरत है, हजार तारों की हमें जरूरत नहीं। हजार देखो ये चीज उसे क्या मिलो, कभी कभी कोई व्यक्ति गुरु जी से हरिनाम ले लिया मंत्र लिए लेकिन अभी तक चाह पी रहे हैं, आप प्रभुपाद का लाइन में आप है ही नहीं। हम लोग जो चाय पीने वाले व्यक्ति है के फिर प्याज नहीं है, ये प्रभुपाद चाय पीने वाले मेरे धारा में है ही नहीं। अगर आप प्रभुपाद का पोता और प्रपोता है नाती पोती है ये धारा में चाय ऐसे क्या करना है चाय छोड़ना है, ये प्रभुपाद पूछ के थे। इसलिए प्रभुपाद जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे हैं, कहते चार तरफ के, कहते एक तरफ मायावाद वो खंडन कर रहे थे, दूसरे तरफ में उन्होंने जो स्मार्त जात गोसाई मतलब क्या है, गोस्वामी परंपरा में कोई पहले कोई गोस्वामी हुए होंगे हैं, कहते हम नित्यानंद परिवार है, हम अद्वैत परिवार है, हम नरोत्तम परिवार पति जगत में परिवार नहीं भैया है। अगर किसका पिता
डॉक्टर डॉक्टर है, अगर उसका बेटा अगर डॉक्टरेट नहीं करता है उसको थोड़ी डॉक्टर बताएंगे। इसलिए नाम को तोड़ करके सब खाने वाले व्यक्ति है। अरे जात गोस्वाई को क्या करते, बोले गुरु जी आज घर में आए सबसे बढ़िया चीज, बोले क्या मछली खिला इनको। मतलब ऐसे बंगाल में इतने अपसंप्रदाय था। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने एग्जीबिशन करवाया। क्या क्या एग्जीबिशन, गुरुदेव घर में आए इसलिए उनको बढ़िया चीज उन्होंने एग्जीबिशन, गुरु को मछली देना है। और सबसे बढ़िया मछली बंगाल में इलिश मछली, मछली ये सबसे बेस्ट है इलिश। इसलिए इलिश मछली दे रहा है प्रभुपाद एग्जीबिशन में, ऐसे चीज दिखाए बोले सब गुरु बनने का लायक ही नहीं सबके साथ है, ये रिजेक्ट है सबके साथ है। और तीसरे तरफ में कहते ये अवतार बात है, आपको पता होगा इतने अवतार है बंगाल में, जैसे खेती में जैसे बीज होते हैं ना ऐसे अवतार है, राम कृष्ण भगवान, विवेकानंद भगवान, अनुकूल बंगाल में कितने चमत्कार दिखा दिया ना, भगवान भगवान करके पीछे भागने लगे। और चौथा तरफ में ये सहज या बात, कौन सा मंजर ये हम ये काम होता है, गुरुदेव कहते थे आता है तब तक जीव का स्वरूप कभी अभिव्यक्त है, गुरुदेव का वाक्य है कि जब तक आसक्ति आती है, गुरुदेव कहते थे केवल थोड़ी सी आता है, जिस समय भावावस्था आता है थोड़ी सी प्रकाश होता है, प्रेमावस्था में पूर्ण रूप में होता है, किया ही नहीं अभी श्रद्धा का स तक भी नहीं है, श्रद्धा का स तक भी नहीं, लड्डू मंजर कचौड़ी मंजर करती। इसलिए प्रभुपाद बहुत विरोधी करते थे, तो आप लोग भी इसी चीज सावधान रहना, आते ही गुरुदेव हमको रस कथा सुनाओ, गुरुदेव हमको राधा रानी के बिल्कुल जी हम एकदम अधिकार नहीं है, ये विषय को सुनने पर हमारे हृदय में जड़ काम आती है, राधा रानी कृष्ण को प्रेम कर रहे हम सुनकर तुम क्या करो, प्रेम करें। देखो एक बार किया हुआ आपको सही घटना सुनाता हूँ, एक बार वृंदावन में वहां पर एक बहुत बड़ा जो रास कराने वाले हैं उन्होंने क्या किया, बहुत ऑडियंस थे वहां, वो दिखाया कैसे राधा रानी मान की हुई श्याम सुंदर कैसे राधा रानी को मनाना चाहते हैं, राधा दही पद पल्लव उदारम हे राधे, आज तुम इतने क्यों मानती हो, तुम्हारे चरणों को मैंने सामने कहा राधा रानी को हला दे नहीं सकती है, उनके स्वरूप रानी और तुम कहा साधारण जीव। इसलिए प्रभुपाद बड़े विरोधी विषय पर थे, बड़े इसलिए चार तरफ से खंडन मंडन कर रहे थे। इसलिए यहाँ का जो स्मार्थ जात होता है ना, कल हम यहाँ पर जाने वाले हैं बोले प्रभुपाद और जान से नहीं मारेंगे, तो लगता है कल जहाँ जाएंगे जो वही पहले से सोना की बोतल ईंट पत्थर लेकर के पहले से रेडी थे, बोले जान से मार देंगे, जो प्रभुपाद वहां पर पहुंचे ईंट पत्थर जूते सोना की बोतल प्रभुपाद छोड़ने लगे मारने लगे, इतने में हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब महाराज प्रभुपाद जल्दी से जल्दी उन्होंने एक घर लेकर उनको ड्रेस बदलाया, बोले गुरुदेव आप मेरे ड्रेस आपका ड्रेस मेरे को दे दो। इसलिए सन्यासी ड्रेस को उन्होंने लेकर के प्रभुपाद को छुपा करके भेज दिया, प्रभुपाद को छुपा करके वहां से भेज दिया। यहाँ पर प्रभुपाद की ऐसे प्रचार प्रभुपाद की थी। इसलिए यदि यहाँ पर श्री राधा रानी कहती है प्रभु, राधा रानी कहते नयन मणि मंजरी इसी जगत में जाओ, जा करके जीव का जो दुर्दशा है ये दुर्दशा से जीवों को मुक्त करो, और अकेले नहीं तुम क्या करो अपना सहचरों को चरियों को तुम साथ में ले करके जाओ। इसलिए राधा रानी कौन है कहती है प्रभुपाद की नयन मणि मंजरी, राधा रानी की नयन मणि मंजरी। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद की वैशिष्टता को बता रहे थे हाँ, वो एक बहुत बड़ी बात प्रभुपाद ऊपर बोलते थे, बोले अभी तक पृथ्वी में जितने आचार्य आए हैं
कहते उनकी अवदान को आप एक तराजू लो, एक तराजू का उनका सारे वैशिष्ट का अवदान का अवदान वैशिष्ट हो, अगर तराजू के दूसरे तरफ में रखोगे भारी पड़ना है, उनका बला भारी पड़ेगा। कितने बड़ी बात साईं महाराज रूपाद के विषय पर बोले, कभी कभी मेरे मन में शंका हो गई ऐसे कैसे हो सकता है, चारे आचार्य इतने गोस्वामी और इतने सारे को सारे आए, लेकिन यहाँ पर भक्ति प्रज्ञान तो सबको तराजू का एक तरह देखा नहीं, बात सही है। हाँ बात सही है, कारण है कभी प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद कौन है, राधा रानी की स्त्री है, राधा रानी की जो पुतला वो कौन है, हम कहते हैं ना मनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज मोहि लासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगति कथा करी शशीलमा कृपा कटाक्ष भाजनम कथा राधा रानी तब क्या बत्री लोक शोक हारिणी, अब का जो कृपा कटाक्ष है शुभ दृष्टि प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज इनका बचे नहीं मथुरावास श्री साधु संत ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, यदि ये पांच का अंग है अगर इसको थोड़ी सी कोई एक भक्त को थोड़ी सी ज्यादा में करो बस कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। तो भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज कहते हैं किसी ने हमें सुझाव दिया कल प्रभु बाद दिया साधु संघ देखो मंदिर में साधु साधु संघ से मंदिर भागवत सेवा और श्री विग्रह का सेवा हर गौरी गौरी मठ उन्होंने श्री विग्रह को स्थापन कर दिया। मथुरावास है, मथुरावास है, ब्रजवास है, जहाँ मंदिर है प्रभुपाद के, जहाँ हरिकथा वही तीर्थ है, जहाँ पर हरिकथा वही पर तीर्थ हो। इसलिए वो कहते हैं अगर ये पांच जो भक्ति अंग को अगर जीव को पूर्णतम रूप में अगर किसने आश्रय किसने दो चार चेला बना दिया, लेकिन उन्होंने जो चेले बनाए किसको चेला बनाए अनधिकारी भी नहीं, आप लोगों ने सुना ना प्रभुपाद ने 8 बार उन्होंने प्रभुपाद को प्रत्याख्यान श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किया, जब आए शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए तो उन्होंने बोले देखो मैं तो शिष्य करूंगा नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने शांतारायण व्रत शुरू कर दिया है, धीरे धीरे तो भोजन करना कम कर दिया, जब भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये बच्चे को क्या मारना लोगे इसको तो भिक्षा मंत्र कल आए बोले देखो मैं महाप्रभु को पूछ कर दूंगा तुम कल आ, फिर जब आए बोले महाप्रभु को पूछना मैं भूल गया हमें भूल, बड़ी कठिनी से इन लोगों ने कहीं उन्होंने दीक्षा मंत्र कठिन को और योग्यता संपन्न व्यक्ति को ही दिया, सबको नहीं दिया उन्होंने, लेकिन अयोग्य को जिनकी भक्ति में कोई अधिकार है ही नहीं है कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसे हम जैसे अनधिकारी व्यक्तियों को भी भक्ति में अधिकार जो प्रदान करके उनको भक्ति जगत में धीरे धीरे आदो श्रद्धा का भजन किया कि जो क्रम में अगर देने वाले कौन हैं, प्रभुपाद का शिष्य कहते थे बल कहते थे वो कहते ना पूरी सर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं पूरी सर कीट है ते मुनि से लघिष्ट जगाई माधाई है ते मुनि से पापिष्ट मोर नाम लय जय तार पाप है मोर नाम सुन जय तार पुण्य है एमन निर्भिन्न मर केवा कृपा करे एक प्रभुपाद बिना जगत माझारे, यदि हम तो टाटी के कीड़े से भी गया बिता है जगाई माधाई से भी हम पापी है, अगर हमारे नाम को कोई ऐसे
जैसे जो निर्भिन्न निकृष्ट व्यक्तियों को सिद्धांत श्री सरस्वती श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे निकृष्ट व्यक्तियों को भी, अगर मैं जब सोचता हूँ ना हमें कहाँ रहने वाले, अब सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं जा किसी गांव की कोड़े में, हमारे बचपन में अगर कोई स्कूटर आ जाए ना, स्कूटी पर स्कूटी आ जाए, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, अरे स्कूटी आ गया था, सब जैसे पीछे भागते थे। हम ऐसे के गांव में रहने वाले, भक्ति का भाग भी हमें पता नहीं था। यहाँ पर देख लो, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई दिल्ली, कोई कहाँ से नोएडा, कोई अम्बाला, कोई अलग 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 जगह से यहाँ पर है। हम लोग कभी सोच सकते हो एक दिन हम सबके सब श्री नवद्वीप में महाप्रभु की चरण में, गुरु जी की चरण में बैठी करके कभी हम यहाँ पर अपना हरि कथा सुनेंगे, कभी कभी सोच सकते हो? कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अगर किसी ने भक्ति जगत में कोई अगर अधिकार दिया, तो किसने दिया है? भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद दिया। क्या कारण क्या है? कारण है वो राधा रानी के, और राधा रानी कौन है? करुणा कुरुमयी करुणा भरित सरल का सनातन वर्णित चरित्र राधा। ये एक मूर्ति रूप धारण कौन है? चलो भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती प्रभुपाद हैं। इसलिए इनकी तो इतनी कथा है, इतनी कथा इनकी, इतनी महिमा इनकी, जो सोच नहीं। इनका एक ऐश्वर्य कथा सुना देता हूँ, फिर भक्त लोग आज बोलेंगे। देखो एक समय प्रभुपाद, कोई कोई सोचते हैं भैया ऐश्वर्य तो केवल नारायण का जो भक्त है ना उनमें ही ऐश्वर्य प्रकाशित हो, और जो कृष्ण महाप्रभु भक्त नहीं, इनके अंदर में कोई ऐश्वर्य नहीं थे। एक समय किसी गृहस्थ भक्त ने प्रभुपाद को निमंत्रण दिया, सब गांव वालों को बुलाया। पहले जो प्रसाद बनता था लकड़ी से, सबके सब लकड़ी से प्रसाद बनती थी, अभी अभी लकड़ी में प्रसाद अभी भी बनी। जैसे यहाँ प्रभुपाद कथा कर रहे हैं, पीछे को चूल्हा है, चूल्हा पीछे था, और प्रभुपाद कथा कर रहे थे। वो घर का एक छोटा बच्चा अभी जो केवल घुटने पर चलना जानता, अब जब प्रभुपाद कथा करते थे अगर कोई सुई भी गिर जाए ना उसका भी आवाज होता था। साइलेंट सबके सब बैठते थे, एकदम चुपचाप बैठते थे। अभी क्या हुआ, पीछे चूल्हा जल रहा है, एक छोटा बच्चा घुटने पर चलते चलते ना चूल्हे में गिर गया। और जैसे हमें यहाँ पर घाटी जल रहे हैं, हमारे चूल्हा बहुत बड़े, अभी जितने भक्त लोग देख लिया उनका मन में तो खिलबिल मच गई। वो बच्चा तो गिर पड़ा, चूल्हे में गिर पड़ा, लेकिन इसका हिम्मत नहीं हो रहा है प्रभुपाद की कथा से उठ करके जाए और बच्चे को उठाए, इसका हिम्मत नहीं हो रहा था। इतने में क्या हुआ, सबके मन में जब खिलबिल मच गई, प्रभुपाद ने कहा भैया क्या बात है, तुम लोग इधर उधर क्यों देख रहे हो? और बच्चा गिर पड़ा ना, सबके मन में चंचलता आ गई, हरी कथा में मन नहीं लग रहा, क्या बात है? प्रभुपाद जी घर का जो बच्चा है ना चूल्हे में गिर पड़ा है। बोले चूल्हे में गिर पड़ा? बोले हाँ। चलो चलो देखते हैं। तो गए प्रभुपाद ने जाकर देखा, वो बच्चा वो उसको अंदर में खेल रहा था अग्नि को अंदर में, हैं ये अग्नि कथा कर रहे थे प्रभुपाद राधा रानी की नयन मणि में। हरि अग्नि ने शांत कर दिया, प्रभुपाद जाकर के बच्चे को उन्होंने चूल्हे के अंदर निकाल कर दिया। ऐसे प्रभुपाद की जो ब्रजवती जो कथा है, ऐसे श्री ब्रजवती कथा। इसलिए कहते हैं श्री प्रभुपाद जब जगत में आए, मैंने वहां पर बताया जिस चार कारण से महाप्रभु आए, कहते उनका भी चार कारण दिखता है। पहला कारण जगत में हरिनाम संकीर्तन, प्रभुपाद ने 3,000,000 हरिनाम किया और सर्वत्र हरिनाम प्रचार किया। दूसरा कारण महाप्रभु आने का, श्री अद्वैत आचार्य ने उनका आह्वान किया। तो इनका आह्वान किसने किया? श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हें आह्वान किया। जगत का दुर्दशा को देख करके और इनका ग्रंथ कैसे प्रकाशित होगा आह्वान किया, तो श्री बिमल प्रसाद रूप में आए। तीसरा कारण है प्रभुपाद आने का, जो महाप्रभु आने का चरिचिरात प्रेम, उसी तरह प्रभुपाद भी जगत में वही प्रेम को देने के लिए। लेकिन प्रभु मैं तो जंगल काटते चला चिंता पड़ा, जिसको देना प्रभुपाद राधा रानी महाप्रभु
जो अपना राधा जी भाग आस्वादन करने आए थे, इसलिए प्रभुपाद भी मैं मणिमणि के रूप में उन्होंने भी वो चीज को उन्होंने आस्वादन किया। इसलिए प्रभुपाद जब रथ यात्रा का समय में आपको पता तीन दिन रथ रुक गया था, इसलिए एक प्रभुपाद का भक्ति प्रति तीर्थ मारा बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जगन्नाथ जी से रुक गए तीन दिन तक रथ वहां से गया नहीं, लेकिन तीन दिन प्रभुपाद का घर को श्री ने प्रभुपाद जब उनको चरण में उन्होंने प्रणाम कराया ना, उनके गले से अपनी गिर करके उनके सर को पर में गिरी गिर, तो उसको बाद में रथ गई। वो कहते भैया तीन दिन तक जगन्नाथ जी रुके और भक्ति विनोद ठाकुर कौन बोले कमल मंजरी, प्रभुपाद कौन बोले नयन मणि मंजरी, राधा रानी की नयन है। तब भैया तीन दिन तक जगन्नाथ जी वहां पर खड़े हैं, लेकिन आए नहीं क्यों खड़े, पहले दिन आ जाते जगन्नाथ चले जाते, तीन दिन तक जगन्नाथ जी खड़े रहे। उसका कारण है क्या, बोले कारण है यहाँ पर श्री जगन्नाथ जो पूरी रथ यात्रा वो क्या है, कहते श्री कृष्ण वृंदावन से गए, कहाँ पर वृंदावन से गए, गए मथुरा गए और बोले मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों बोल कर कितना दिन चला गया, परसों बीत गया, लेकिन वो श्याम सुंदर नहीं आए। नहीं आने का फिर राधारानी मानी नहीं है, क्यों मानी नहीं है, उन्होंने परसों बोल कर उन्होंने परसों मैंने बिता दिया, आई नहीं। और राधारानी का जो मान दुर्जय मान है वो साधारण मान नहीं, इसलिए जगन्नाथ जी वहीं पर कृष्ण भाव से वहीं पर खड़े रहे, जब तक राधारानी की कृपा कटाक्ष से नहीं होना तब तक यहाँ से मैं जाने वाला नहीं है, नहीं। इसलिए तीन तक कृष्ण वहीं पर खड़े रहे, राधा रानी की कृपा कटाक्ष से आए फिर तभी यहाँ से जाऊंगा। लेकिन जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा कृष्ण ने भैया तीन दिन तक हो गया अभी से यहाँ से जाए, और राधा जब उन्होंने प्रभुपाद को लेकर के आए उनके गले से अपने आप एक माला गिरा, मतलब तो कहते हैं जब राधारानी की एक कृपा कटाक्ष श्री श्याम सुंदर को ऊपर पड़ता है क्या होता है, उनका मयूर मुकुट गिर जाती है, बंसुरी गिर जाती है, कभी कभी उनका कपड़ा भी गिर जाता है पता नहीं चलता। इसलिए यही सही जब उनका चरण में प्रणाम किया ना, इतने में श्री श्याम सुंदर गले का जो माला थी वो अधर माला है, अधर माला अपने आप गिरते ही मतलब जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। राधा रानी जब आई जब कृपा कटाक्ष की माला गिरी, फिर राधा रानी जब उनको प्रसन्न हो गई उसको बाद में आए तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 जगन्नाथ जी की रथ चलने लग गया। इसलिए प्रभुपाद के अनंत अनंत महिमा अनंत अनंत इनकी कृपा, इनकी वजह से ही आज जो थोड़ी बहुत भक्ति करने प्रयास कर रहे हैं इनकी वजह से। इसलिए महापुरुष हम सबको ब्रह्म आशीर्वाद करें, सबको ब्रह्म कृपा करें, उन्होंने जो भक्ति धारा को लाए जिस भक्ति धारा में हमें ले जाना चाहते हैं, हाँ देखो इसलिए जैसे हम उसी रास्ता पर चल सके। प्रभुपाद का जो अंतिम उपदेश है कहते सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुनकर कभी कभी हरि भजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का अंतिम ये उपदेश है। इसलिए भक्ति जगत में बहुत बाधा विपत्ति आएगा, ऐसे नहीं थोड़ी सी अगर जीवन में बाधा विपत्ति आ गई हम पहले कुछ छोड़े नहीं, छोड़े खाना नहीं छोड़ते हैं, घूमना नहीं छोड़ते हैं, सोना नहीं छोड़ते, पहले माला छोड़ देते, मतलब माला छोड़ने के लिए ना पहले से हम तैयारी। लेकिन प्रभुपाद कहते भैया सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुनकर के दुनिया छूट जाए, लेकिन गुरु कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, भगवान की भजन कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। हम यही बोल करके प्रभुपाद के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करता हूं। सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद सफल कर प्रभुपाद की गौरव मम ज्ञान निवृत्तस्य ज्ञानं च चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानन्दाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर शिव सर्वगौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने श्री प्रभुपाद जी के विषय में, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी के विषय में अनेक अनेक हरि कथा को, अनेक अनेक कथाओं को श्रवण किया। बैठे बैठे विचार कर रहा था, महाराज जी ने भी बताया हम सब लोग यहाँ पर किसकी कृपा से इस चिन्मय श्री नवदीप धाम को स्पर्श भी प्राप्त कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। यहाँ पर हम कितनी लीला स्थलियों पर जा रहे हैं और वहां का महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। है तो महाप्रभु की कृपा, परंतु महाप्रभु की कृपा बिना न गौर प्रियजन पाद सेवनम वेद परिकर की महात्म्य में वर्णन आया, आचार्य विष्णु परिचर आचार्य धर्मान परिचर जे विष्णु विचर जे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, श्री विष्णु का अर्चन करने से, तीर्थ भ्रमण करने से और सब प्रकार के शास्त्र वेद को श्रवण करना, परंतु बिना गौर प्रियजन पाद सेवनम, एक ऐसे गौर प्रियजन और उनकी सेवा उनके दर्शन के सिवाय इस श्री नवदीप धाम में प्रवेश करना भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए हम सबकी स्थिति, मैं विशेष करके अपने लिए बात कह सकता हूँ, ये स्थिति कि धर्म स्पृष्ट सत्यता परम अविष्टवात धरने दृष्टि प्राप्ति नाई खलु सताम सृष्टि कौपी न सम यद दत्ते हरिदस सुधा स्वाद्य परिदित्ते उच्च गायंती विरुद्धते अति श्री नवमी कृष्ण बोलते धर्म स्पृष्ट सत्यता। कभी धर्म को स्पर्श तक नहीं किया, धर्म क्या था ये भी नहीं पता, और धर्म स्पृष्ट सत्यता परम अविष्ट इवाद धरने सब समय अधर्म में ही अविष्ट रहे, सब समय पाप क्रिया में अधर्म में अविष्ट रहे। तीर्थ भ्रमण मात्र पाप का निवारण, तीर्थ भ्रमण मात्र वहां पर जाकर साइट सीन करना, बस ये एक लेजर ट्रिप है, किसी को देखा जाता है और किसी साधु की दृष्टि भी नहीं पड़ी। साधु की दृष्टि का मुख्य और गौण अर्थ है, गौण अर्थ तो हाँ गुरुजी ने हम पर दृष्टि डाली थी, गुरुजी ने एक बार ये कहा था, हमने भी उनको कहा था, हमने गुरुजी को देखा, लेकिन गुरुजी को देखा ये देखा है परम गुरुदेव जो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अंतरंग परिकर है, परम गुरुजी के दीनता वश परम गुरुजी इस बात को कहते हैं कि मेरे अनेक गुरु भ्राता मेरे को ये कहते हैं कि आपने जिस प्रकार से प्रभुपाद जी की सेवा की और उनके प्राणों की रक्षा की ऐसा कोई नहीं कर सकता। परम गुरु जी ने कहा, कितनी दीनता दिखलाते हुए कहा, मैं प्रभुपाद को स्पर्श भी नहीं कर पाया, ये परम गुरु जी इस बात को कह रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि हमने गुरु जी की सेवा की, परम गुरु जी ये बात कह रहे हैं अपने गुरु महाराज के प्रति, मैं कभी प्रभुपाद को स्पर्श नहीं कर पाया, जिस प्रकार रावण माया सीता का ही स्पर्श कर पाया, मैं भी अपने प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को उसी प्रकार ही स्पर्श कर पाया, प्रभुपाद के आंतरिक विचारों को मैं स्पर्श नहीं कर पाया। ये आचार्य यदि ये शिक्षा नहीं देंगे तो हम कैसे समझेंगे। अब इस बात को
ऐसा नहीं समझ लेना कि परम गुरु जी सच कह रहे हैं, वे प्रभुपाद के अंतरंग परिकर हैं, परंतु आचार्य लीला में शिक्षा तो देनी पड़ेगी और हम लोग बड़े नींद हाँकते हुए कहते हैं हमने गुरु जी की इतने साल सेवा की, हमने गुरु जी के साथ इतने समय रहे, हमने गुरु जी के लिए ये किया, हमने गुरु जी के लिए वो किया। क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज नॉट द बैरोमीटर। गुरु पाद पद्म के विचारों को पकड़ना ये इतना सरल सहज नहीं है, ये सहज नहीं है, उसके लिए के लिए वैसा वैसा ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान सेवा वाला, उसके बिना संभव नहीं। तो ऐसे किसी महाजन की दृष्टि भी नहीं पड़ी, तब भी आज श्री नवदीप धाम में परिनित्य उच्च गायन्ति विनुत्ति उच्च स्वर से गान कर रहे हैं, वो भी इस नवदीप चिन्ह में धाम को स्पर्श कर रहे हैं, कैसे संभव है? ये एकमात्र या तो गौरंग महाप्रभु की कृपा या उनके प्रियजन की कृपा, और उन महाप्रभु के प्रियजन हमारे जीवन में आए। कौन आए? कौन आए? गुरुजी। दर्शन कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। गंगा जी में स्नान करेंगे तो पुण्य तो प्राप्त हो ही जाएगा, और भक्ति में तो पाप भी बाधा है, पुण्य भी बाधा है। तो गड़बड़ है, पाप भी और पुण्य भी। तो गंगा जी में जाने से पाप तो नाश होगा, पुण्य नाश तो नहीं होते, लेकिन तीर्थ को ऐसे गुरु महाराज, ऐसे गुरुपाद पद्म, ऐसे श्रील गुरुदेव जो तीर्थों को भी तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले, इनके दर्शन मात्र से जहां निकट गेले पाप धुले जाए, जिनके निकट जाने से पाप भी चला जाए और पुण्य भी समाप्त हो जाए। अरे गुरु जी का दर्शन कर लिया, पुण्य समाप्त हो गया, तो ऐसे तो दर्शन नहीं करना चाहिए। तो धर्म भी मत करो, धर्म भी मत करो, तो फिर क्या करो? ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या नितनम। ब्रज के राधा कृष्ण की जो परिचर्या है, जो सेवा है, ये प्राप्त होगा ऐसे इन महापुरुषों के दर्शन से और इनके संग से, और उनके जो सटल विजन, सटल जो विचार, जो सूक्ष्म विचार है, उसको पकड़ने से होगा। एक बाह्य दर्शन, एक अंदर ने बात बोलते कि मैंने जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरु महाराज के प्रति बोल रहे हैं, मैंने जो उनको देखा, जो देखने का प्रयास किया, और जो तुमने देखा वो एक नहीं है। नहीं नहीं, गुरु जी तो वैसे ही थे, इतनी उनकी हाइट थी, ऐसा उनका वर्ण था, ऐसे नेत्र थे, ऐसा वो कपड़ा पहनते थे, हम गुरु जी के लिए ये करते थे, हम गुरु जी के लिए वो करते थे, ये तो भारी दर्शन है। और आंतरिक दर्शन वो कौन करेगा? वो तो ऐसे महाजन ही कर सकते हैं, भक्ति राम भावन गोस्वामी महाराज, हमारे श्री गुरुदेव वो परम गुरु जी का दर्शन कर सकते हैं, परम गुरु जी प्रभुपाद जी का दर्शन कर सकते हैं, और उसी दर्शन दृष्टि से वो हमको बतला सकते हैं कि दर्शन की पद्धति क्या है। ऐसे करते करते नवदीप धाम में बार बार आते हुए और गुरुजनों की महिमा को श्रवण करते हुए, श्री धाम महिमा, श्री महाप्रभु जी का वैशिष्ट और उनकी कृपा का जो अवदान है उसको श्रवण करते करते क्या होगा? बोलते हैं श्रवण सुभद्रानी रथाम की पाने, जन्मानी कर्मानी च यानी लोके, गीतानी नमानी तर अर्थकानी, गायंत विदुज अचरेन संगह,
एवं प्रथम स्वप्रिय नाम कीर्तयि जात अनुराग धृत चित्त उच्चयि हसति रोदति रोति गायन्ति उन्माद वर्जितन्ति लोकवाची। ये भाव अवस्था की बात है, इसे तो आरंभ है क्या? कहां से? श्रवण सुभद्रावि रथांग की पाने, श्रवण से होगा। इसलिए स्थान स्थान पर श्रवण की बात ही तो कही, साधु संगे हरि नाम ए मात्र चाही संसार जीने तैयार कौनो वस्तु नहीं। साधु संग में श्रवण ही तो होगा, साधु संग मात्र देखने मात्र से ही होगा क्या? देखने मात्र से तो भूल भी, सुनने की तो बात कही। श्रवण मंगलम शिवन आत्मतम भूमि ग्रंथी ते भूरी गजन। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल प्राप्त है। और दूसरी तरफ क्या बताया, हृदय अंतुष्ट ही अभद्रानी विद्नोदिन सुरिन सताम। हृदय में जो अभद्र हैं, जो अनर्थ हैं, वो नाश कैसे होंगे? वो तो श्रवण से ही होंगे। श्रवण से अभद्र नाश हो रहे हैं और श्रवण से क्या हो रहे हैं? श्रवण मंगलम श्रीमन आत्मतम, और उसी श्रवण से मंगल भी उदय हो रहा है। ये श्रवण कितने प्रकार का कार्य कर रहा है ना? अभद्र नाश कर रहा है, मंगल उदय कर रहा है, और श्रवण क्या करते हैं? बोलते सत्य हृदय अवरुद्धि पृथ्वी सुषुभ तत्क्षणा। भागवत जी का मंगलाचरण का तृतीय श्लोक, दूसरा श्लोक धर्म प्रोचित श्रवण मात्र से ही। अभी श्रवण भी किया नहीं, इच्छा मात्र है कि श्रवण करेंगे। बोलते सत्य हृदय अवरुद्धि, उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध होना आरंभ हो जाते हैं। इस श्रवण का इतना गुण है, अभद्र नाश, मंगल उदय, और भगवान को हृदय में बसाने की जो विद्या, वो श्रवण से ही आरंभ होगी। इसलिए श्रवण सुभद्रानी रथांगी पाने जन्मानी कर्मानी च यानी लोके गीतानी नमानी तद अर्थकानी गायन विनद अचरे न असंगः एवं व्रतम सप्रिय नाम कीर्तये जात अनुराग धृत चित्त उच्चयि। ये सब विचार, ये आंतरिक विचार है गुरु जी। गुरु जी इस बात को एक बार न जाने विदेश में कहां पर ये इसी कथा को वर्णन कर रहे, और आप लोग वीडियो भी देखना यूट्यूब में, कभी सर्च करते करते आ जाएगा। गुरु जी उच्चारण करते करते क्रंदन करने लग गए, उनको ब्रज का स्मरण हो आया, गुरु जी रोने लग गए और आगे बोल नहीं पाए। फिर अपने भावों को स्मरण करके कथा को आगे उन्होंने तो कहना आरंभ किया। इसी बात को श्रवण करते हैं, ये है आंतरिक विचार। इसलिए धर्म स्पिष्ट सतता परम अविष्टवाद धर्मे दृष्टि प्राप्ति नहीं खलु सता सृष्टि को अपि न सम। धर्म को कभी स्पर्श नहीं किया, सब समय अधर्म में रहे। तीर्थ का भी जो भ्रमण है वो मन का ही भ्रम रहा, और कभी किसी साधु की वह अंतरिक दृष्टि या हमने स्पर्श नहीं की या हम उसको देख नहीं पाए, लेकिन आज उन्हीं की कृपा से ही आज हम लोग श्री नवदीप धाम में हम लोग यहाँ पर बैठ कर इस चिन्ह में भूमि में बैठ कर जहाँ पर कण कण वह कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है, ये चिन्मय भूमि है। एक कण का यहाँ पर इतना मूल्य है, ब्रह्मा शिव इंद्र सब आकर इसी नवदीप धाम का आश्रय लेकर कृष्ण लीला में जो जो अपराध हुए उन सबको इसी श्री नवदीप धाम में इसी श्री गौर नाम और गौर धाम का आश्रय करते हुए उन सब महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किए। इंद्र भी, शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी, बड़े बड़े लोकपाल लेखपाल। इसलिए श्री नवदीप धाम का महात्म्य और गौर नाम का महात्म्य और श्री गौर परिकर का महात्म्य, लेकिन इन सब महात्म्य में गौर परिकर का संग और उनसे श्रवण ये अनिवार्य है। ये बड़ा दुर्लभ भी है, क्योंकि मैं आज बता रहा था सुबह दो ही वस्तु दुर्लभ बताई है भागवत जी के अनुसार। ये तो मेरा कथन नहीं है, भागवत जी का कथन एकादश स्कंध में भगवान दुर्लभ नहीं बताए, भगवान तो सुलभ बता दिया, दुर्लभ दो ही वस्तु बताई। बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य देहम
देही नाम क्षण भंगुर। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, कीट पतंग पशु पक्षी जलजा नवलक्षणी स्थावर लक्ष्य विक्षति ऐसे कितने योनियां हैं, परंतु उसमें भी 400,000 प्रकार की मनुष्य योनि और उसमें भी ये विवेक कि हम श्री नवदीप धाम में क्यों आए हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, हम इनकी जो गुरुजी ने हम वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये विवेक तो प्राप्त हुआ। ये वाला नहीं जहां पर आहार निद्रा भय मैथुन वो चार एक समान वो मनुष्य शरीर नहीं है, जहां पर खाना पीना सोना मैथुन और इत्यादि सब करना वह मनुष्य शरीर नहीं, ये मनुष्य शरीर। मगर इसमें भी इस मनुष्य शरीर में भी ये कितना दुर्लभ है तो बताया, दुर्लभ मनुष्य देहम देहिनाम शर्म वैकुंठ प्रिय दर्शन, बोलते उसमें भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन, वह वैकुंठ प्रिय वैशी गोलोक प्रिय वैशी गौरंग प्रिय वैशी नित्यानंद अभिन्न कलेवर, इनका दर्शन दुर्लभ। दर्शन तो हम लोगों ने बहुत किया, दिन रात हाथ फाड़ फाड़ कर खूब देखा, परम गुरु जी कह रहे हैं ये वाला दर्शन नहीं है, आंतरिक दर्शन वहां तक पहुंचना है। मैं किसी को उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो खुद ही बड़ा गिरा हुआ हूं, हम तो यहाँ पर एक चर्चा कर रहे हैं, हम तो श्रवण कीर्तन स्वयं भी श्रवण कर रहे हैं, हम किसी को उपदेश नहीं दे रहे कोई भाई ऐसा। हमने भी गुरु जी को देखा लेकिन कौन से कैसा देखा, वैसे ही देखा, स्पर्श नहीं कर पाए। जब गुरु जी महाप्रभु जी के अनुगत में श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश से इस प्रेम को बांट रहे थे ना, क्या बांट रहे थे, बते हुए अमूल्य रत्न बांट रहे थे, जो कल प्रभु जी संजय प्रभु बता रहे थे, महाप्रभु बोल रहे मैं अकेला किस किस को दूंगा, तो अपने परिकर को बोला आप बांटो, गुरुदेव भी बांट रहे थे। जब गुरु जी इस प्रेम को बांट रहे थे हमने उस प्रेम को क्या समझा, ये टोकिया है चॉकलेट है, इतना कम मूल्य उसका समझ लिया। वंचितोस्मी न संशय विश्वम गौर रसे मग्ना स्पर्शपि न भवे, मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया उस गौर प्रेम से। जब ये बांटा जा रहा था उस समय हम अभिमान में न जाने कहां पड़े हुए। इसे वो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वह वैकुंठ प्रिय दर्शनम वो नेत्र से होगा नहीं, वो कैसे होगा, गुरुदेव अपने गुरु महाराज के प्रति जो विचार जो आंतरिक दृष्टि रखते थे वह भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती बहुत परिकर जन्मने दर्शन, परंतु हमारे कुछ गुरुजन उस आंतरिक दर्शन के हृदय में धारण कर जीवन अपने गुरु महाराज सारा जीवन किसी प्रकार का अभिमान नहीं, विद्या का अभिमान नहीं, जाति कुल का कोई अभिमान नहीं, सब बड़े बड़े ब्राह्मण कुल के परम गुरुदेव जमींदार परिवार के, हमारे गुरु महाराज श्रीवंत गोस्वामी महाराज बड़े ऊंचे ब्राह्मण कुल, कभी जाति कुल का कोई अभिमान नहीं रखता, कभी ऐश्वर्य को कोई ज्ञान को कोई अभिमान नहीं रखता। मैं सुन रहा था एक बार प्रभुपाद जी ने किसी को भाषण के लिए खड़ा किया और उन्होंने जर्मन का पता नहीं कौन सी भाषा में वक्तृत्व दिया, लेक्चर दिया, तो उसी समय साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने अपने आश्रित जन में नाम नहीं कहा, उनको कहा कि इन्होंने क्या कहा बता सकते हो, और एग्जैक्टली सेम टू सेम उन्होंने उस भाषा को सुनकर वैसे का वैसे ही बंगला भाषा में उसका अनुवाद कर दिया। सारे लोग आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे, इनको वो भाषा भी आती है इतनी फ्लूएंटली। प्रभुपाद जी ने कहा ये समर्पण नहीं है, ये गौण है, ये गौण है, गुणों से द्वारा भक्ति का गुणों से भक्ति में प्रवेश नहीं। व्याध साचरण ध्रुवस्य च वयो रसका उपजायो किं नाम रूप अधिकम।
जादू भक्ति तुष्यति भगवान नाच गुणेर माधव। भक्ति तुष्यति भगवान, भक्ति से भगवान कीर्तन हो गया, मैं कथा कहने वाला हो गया, ये सेवा का उपकरण तुष्यति भगवान नाच गुणेर माधव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की सूक्ष्म दृष्टि वास करता है और कौन मठ में वास नहीं करता। एक ब्रह्मचारी जो सब समय मठ में वास करता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कहां है, दिखता ही नहीं है। आश्चर्यजन सेवक लोग कहने लगे प्रभुपाद ये तो कभी मठ की प्रमिसेस छोड़कर बाहर जाता ही नहीं, इसने संकल्प ले रखा है। प्रभुपाद जी ने बोला ये तो मेरी दृष्टि तो ये कहती है कभी मठ में रहता ही नहीं है, इसका मन सब समय मठ से बाहर है। और वो गुरुजन हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और अन्य अन्य जो मंगल आरती के बाद ही बाहर निकल जाते, प्रचार करते, भिक्षा ग्रहण करके आते और संध्या में ही लौट कर आते, प्रभुपाद जी बोलते ये सारा दिन मठ में रहते हैं, ये सारा दिन मठ में रहते हैं। क्रिया नहीं, उस क्रिया के पीछे जो उद्देश्य है उसका महत्व है। श्री भारती गोस्वामी महाराज इस बात को कहते थे, उस क्रिया के पीछे जो उद्देश्य है उसका गुरुत्व है। इसलिए भक्ति में मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इमैच्योरिटी से नहीं होता, बाहरी क्रिया में रह जाएंगे, आंतरिक स्पर्श नहीं होगा। भक्ति नीड्स मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी कहां से आती है, बोलते वो संघ से आएगी। किसके संघ से आएगी, उन आंतरिक विचारों से आएगी, उन गुरुजनों के जो उनके गुरु महाराज के प्रति जो सेवा और जो उनसे जो उन्होंने धारण किया। जैसे श्री भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे मैंने अपने अनेक अनेक शिक्षा गुरुओं से एक एक मंत्र ग्रहण किया, एक एक उपदेश मतलब एक एक मंत्र धारण किया। ये है आंतरिक विचार। इसलिए भक्ति में मेच्योरिटी होना, वो साधन काल से ही मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। मैच्योर से नहीं होता, बाहरी क्रिया में फंसते रह जाएंगे। मैं मैच्योरिटी होगी साधु संघ से। लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि। लव मात्र भी वो आंतरिक विचार स्पर्श हो गया, बस काम बन गया। बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। ये विषय इतना सरल सहज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे गुरु जी की ऐसी अनुकंपा ऐसी कृपा रही कि गंभीर विषय को भी उन्होंने बड़ा सरल सहज करके हम लोगों को हम लोग और जब शुरू शुरू में समझते थे तो समझ ही नहीं आता था बोल क्या रहे हैं। श्रद्धा साधु संघ भजन क्रिया नर्क निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग फिर राग फिर मोदन मादन रूढ़ अधिरूढ़ भाव महाभाव ये सब बताते। हम जब सुनते डेफिनेशन याद हो गई, आज तक नहीं पता ये है क्या। सिर्फ सुनते ये क्रम याद हो गया। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सारे शास्त्रों का निचोड़ लेकर लेकिन साधन के साथ, गुरु जी विशेष रूप से साधन के साथ करने का हमको आदेश देते हैं उन्हीं गुरुदेव को। 2010 में जो यहाँ पर समाधिस्थ हुए, 2020 10 साल होने चले, लगभग 10 साल हो गए, लेकिन कई आप सभी वैष्णव वैष्णव जो आशीर्वाद कीजिए, वे विचार हम धारण नहीं रह जाऊं, उन आंतरिक विचार में किसी प्रकार से स्पर्श हो जाए और फिर प्रवेश हो जाए और करते करते ऐसे ही ये जीवन काल ऐसे ही समाप्त हो जाए। इतना कहकर अपनी वाणी को ही दे रहा हूं। Thank you.
पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय हरियै कृष्णाय कृष्णाय सर्वभक्ताय बल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमो नमोदाय सच्चिदानंदिति नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय विनोदे श्रीमूर्तिने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो श्री गुरु महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय भक्ति विनोद ठाकुर की जय भक्ति धाम की जय हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं मनुष्य जीवन का ये दुर्लभ सात दिन एकदम करके श्री नवद्वीप धाम में हमारे जितने जो गुरुवर्ग जन हैं सभी ने इस नवद्वीप धाम का आश्रय लिया है। उस श्रृंखला में हम लोगों का परम सौभाग्य रहा है कि कल हम लोग पहले दिन में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के और आज के दिन भी हम लोग शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के निकट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इन महापुरुषों की महिमा को नहीं समझेंगे हम कभी भी श्री नवद्वीप धाम में उपस्थित होना यहाँ परिक्रमा करना हम इसका महत्व कभी हम लोग समझ ही नहीं सकेंगे। एक बात कहना बहुत जरूरी है हम लोग नवद्वीप धाम में बैठे हुए हैं ये किनकी कृपा है। हाँ निश्चित रूप से श्री गुरुदेव ने सबको समझाया बुलाया किंतु श्री गुरुदेव पर किनकी कृपा हुई परम गुरुदेव की। परम गुरुदेव पर किनकी हुई श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद पर किनकी हुई श्री भक्तिनोद ठाकुर जी। तो भक्तिनोद ठाकुर जी ने बड़े मेहनत से प्रयास से ये श्री मायापुर धाम विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मस्थली है उन्होंने प्रकाशित की है। उनकी कृपा नहीं होगी हम आज यहाँ बैठ ही नहीं सकते हैं। उनकी कृपा नहीं होगी ये धाम परिक्रमा संभव ही नहीं था। श्री भक्तिनोद ठाकुर जी ने श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा नामक एक सुंदर एक ग्रंथ प्रकाशित की साथ ही में नवद्वीप धाम के प्रमाण स्वरूप शास्त्र के विभिन्न जो प्रमाणावली को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से श्री भक्तिनोद ठाकुर जी ने बहुत मेहनत के साथ इस नवद्वीप धाम और महाप्रभु के जो जन्मस्थली को जगत भर में विश्व भर में उन्होंने प्रकाशित की साथ में विभिन्न जो ग्रंथावली भी श्री भक्तिनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित की उनमें विशेष करके श्री गुरुदेव को बहुत ही प्रियता की श्री भक्तिनोद ठाकुर जी द्वारा रचित जैव धर्म जो लोग जैव धर्म पढ़ेंगे नहीं वो कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण विचारावली को कभी भी वो लोग समझ ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से श्री भक्तिनोद ठाकुर जी जो हैं विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली या नवद्वीप धाम की महिमा और नवद्वीप धाम की जो परिक्रमा की जो प्रणाली ये सब चीज भक्तिनोद ठाकुर जी ने दिया साथ में किस प्रकार से जगत के जीव किस प्रकार से कृष्ण के प्रति मुड़े उन्मुख हुए किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो दया है जिसके बारे में कल हम लोग सुन रहे थे कैसी उनकी दया है अमंदो दया जिस दया में किसी प्रकार का नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज नहीं है मंदता नहीं है यानी मतलब ये वो दया है जो प्राप्त करके कभी घटता नहीं है बढ़ता ही रहता प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम वाला ये दया है। इस दया को किसने समझाया
क्या है ये चीज। श्री भक्तिनो ठाकुर जी यदि जो स्थान पे गए थे सुरभि कुंज और स्वानंद सुखद कुंज, यहाँ उन्होंने साधन भजन रूपी साधक उचित लीला के द्वारा, श्री भक्तिनो ठाकुर जी साधारण नहीं थे, इत्यादि इत्यादि और जीव गोस्वामी पाद जी के उज्जवल नीलमणि तक सारी विचारों को गागर में सागर की भांति उन्होंने साधारण जीव भी किस प्रकार से कृष्ण के प्रति उन्मुख हो सके, उसके लिए भक्तिनो ठाकुर जी ने जैसा प्रयास किया है हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है, इस प्रकार से किसी दूसरे ने नहीं किया। तो इसके भक्तिनो ठाकुर जी का चरणाश्रय लिए बिना चैतन्य महाप्रभु के विचार प्रणाली में विचारधारा है तब जाके समझ आएगा। कई लोग कहते हैं प्रभुपाद जी के विचार आएगा, जैव धर्म पढ़ोगे नहीं, जैव धर्म सीखोगे नहीं, और जैव धर्म से भिन्न चैतन्य शिक्षा मृत है बहुत ठाकुर जी का, इसके अलावा कि महाप्रभु की शिक्षा नामक ग्रंथ है, इसके अलावा भजन रहस्य है और प्रेम विवर्त है, तो इत्यादि इत्यादि भक्तिनो ठाकुर जी ने 100 से ज्यादा ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित की, जितने जो कीर्तन है, कई लोग तो सोचते हैं बंगाली है छोड़ो कीर्तन में ही नहीं जाएंगे हम, कीर्तन महाप्रभु के जो कृपा है करुणा है इसको कभी हम, जैसे महाराज जी भी कह रहे थे बार बार श्री प्रभुपाद जी के समय ये कहना था ऑन्टोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, बाहरी क्रिया और आंतरिक क्रिया। हम ज्यादातर देखते हैं या देखने को मिलता है कि हम ज्यादातर बाहरी क्रियाओं में बाहरी जो विचारों में ही रह जाते हैं, ज्यादातर अंदर तक हम कर नहीं पाते हैं। इसकी वजह ये है जैसे जैसा हम श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करेंगे, जैसे जैसे उनके विचार को हम लेंगे और उस विचार को मनन करते हुए जीवन में पालन करने का थोड़ा बहुत भी प्रयास हम करेंगे, तभी हम भीतर प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, केवल बाहर बाहर ही रह करके कुछ है खोखला ही खोखला रह गया, इसलिए श्री प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ भी उन्होंने प्रकाशित किया ऑन्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, यानी बाहरी आंतरिक। तो इस प्रकार से जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी जो हैं वो यदि आते सुंदर रूप से कह रहे थे कि जगन्नाथपुरी धाम में आविर्भाव हुआ, साक्षात श्री जगन्नाथ जी की कृपा उनको प्राप्त हुई, तो श्री प्रभुपाद जी नहीं आते, भक्तिविनोद ठाकुर जी संपत्ति ये सब चीज धरा का धरा रह जाता, इतने ही ग्रंथ उनको प्राप्त नहीं हुआ, चूहा खाके चले गए। तो इसलिए सारे विचार जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो लिख के रखा था उसको प्रैक्टिकल तौर पर की महिमा, श्री भक्तिनो ठाकुर जी की महिमा किसने समझाया, गुरुदेव ने समझाया। इसीलिए पहले श्री गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव के विचार को जब तक नहीं समझेंगे हम इस स्थान पर बैठ जी नहीं सकते हैं और इस धाम की महिमा को नहीं समझ सकते हैं, केवल बाहरी बाहरी चीजों में रह करके हम चले जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे मनुष्य जीवन जो महाराज जी जो कह रहे थे मनुष्य दुर्लभ मनुष्य, सात दिन हम नवदीप धाम में जो बिता रहे हैं इसकी सार्थकता क्या है, श्री गुरु वैष्णवों के श्री गुरु परंपरा के चरणों में
नतमस्तक होते हुए के लिए जो इनकी कृपा है, जो इनके विचार है, जो ये कह रहे हैं, जो ये देना चाहते हैं, इसको कान के द्वारा भीतर लेते हुए जीवन में धारण करना ही यहाँ पहुंचने की सार्थकता है। तो इसलिए कि वैष्णव लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि जो वैष्णव हैं, जो गुरु परंपरा है, ये जो वैष्णव लोग हैं, ये क्या है, ये वैष्णव लोग क्या है, तप निज जन परम बांधव ये संसार कारागार। ऋषि भक्तों ठाकुर जी लिखते हैं चार रूपी कारागार में जल रहे हैं, तप रहे हैं दिन रात, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। इसमें हमारा वास्तव फ्रेंड कौन है, बांधव कौन है, केवल श्री गुरु वैष्णव और श्री गुरु परंपरा, इनके विचार और इनकी जो वाणी है, यही वास्तव में क्या है, हमारे लिए बांधव स्वरूप है। जिस दिन हम गुरु वैष्णवों को भूलेंगे, जिस दिन श्री गुरुदेव की दया को कृपा को हम भूल जाएंगे, उसी दिन हमारा सर्वनाश है, उसी दिन हम माया में प्रवेश है, उसी से दूर चले जाएंगे। इसीलिए श्री गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, श्री प्रभुपाद श्री भक्तों ठाकुर जी और समस्त ये जो रूपानुग धारा के जो गुरुवर्ग जन हैं, इनकी महिमा को हम कभी भी समझ नहीं सकेंगे। तभी श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर पाद जी बार बार इस बात को कहते हैं और हम प्रतिदिन दोहराते भी हैं, क्या यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो प्रसादान् नगदी कुतोऽपि शस्ति संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तब तो समझ आएगा कि हम कितने उस ऋणी के प्रभाव स्वरूप हम बार बार क्या कहेंगे, हे प्रभु हे गुरुदेव जन्म जन्मांतर आप चरणों में स्थान दीजिए, अपने दास अनुदास के रूप में हमें स्वीकार कीजिए, तब तो दिल से इस प्रकार का प्रार्थना निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, केवल बाहरी बाहरी चीजों में रह जाएगी। माला तो चल रहा है, धाम परिक्रमा भी तो चल रहा है, कि तो केवल बाहरी बाहरी चीजों में रह जाएगी। भक्ति जो वास्तव जो शुद्ध भक्ति जो है, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहैतुकी तुई। ये जो शुद्ध भक्ति जो है बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के, वो भक्ति में हम कभी भी प्रवेश कर ही नहीं सकते। हम लोग चिरऋणी हैं, नित्य निरंतर श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में यही प्रार्थना है कि सब समय चरणों में स्थान देते हुए नित्य समस्त वैष्णव वृंद की जय, भक्ति नाम परिक्रमा की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय। कहा जाए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत लिखी, एक स्थान पर उन्होंने कहा, आवाज आ रही है तो पीछे तक आप थोड़ी देर के लिए जुड़ जाओ इधर, वैसे जुड़े हुए हो आप बहुत देर से, और थोड़े अंतिम समय के लिए जैसे होता ना, और जोर लगा दो और दौड़ को जीत लो, तो दो मिनट के लिए बस अपना कान और मन इधर दे दीजिए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक बात तो लिखी, क्या चैतन्य चरितामृत के मध्य में एक बात, चैतन्य चरितामृत के अंत में एक बात, दो प्रकार के श्रोता कहे उन्होंने, दो प्रकार के श्रोताओं की बात उन्होंने चैतन्य चरितामृत में कही। और इस बात को यदि हम पकड़ लें समझ लें, लगभग सारी बातों का सार उन्होंने इसमें बता दिया। एक बात तो वो ये कह रहे हैं, क्या यदि चैतन्य महाप्रभु जी की लीला हमको समझ में ना आए, यदि हम समझ सुनते तो हैं किंतु यदि चैतन्य महाप्रभु की लीला हमको सुनने पर भी समझ में नहीं आए, तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते सुनी नहीं बड़ा होय हित। केवल सुनने से क्या होगा, हमारा हित हो जाएगा, समझ में नहीं आती है कोई बात नहीं, किंतु क्या होगा,
सुनने से बड़ा हित हो जाएगा। क्या हित होगा? स्वीकृति मिल जाएगी, मंगल होगा, स्वीकृति मिल जाएगी। किंतु ये बात किनके लिए कही? जिनको समझ में नहीं आती बात, केवल कथा में बैठते हैं सुन लेते हैं, केवल कथा में बैठते हैं सुन लेते हैं, समझ में नहीं आते विचार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते सुनी ले ही बड़ा होय हित। अच्छा सुन लो, सुनने पर भी बड़ा हित होगा। ये साधारण श्रोताओं के लिए उन्होंने एक उपदेश दे दिया। एक और बड़ी विशेष बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कही, बड़ी विशेष बात, उसको हमको समझना है, क्योंकि गुरु महाराज जी की बात को हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। प्रतिदिन गुरु जी कहते थे केवल स्वीकृति अर्जन करना हमारे साधन का उद्देश्य नहीं है। स्वीकृति अर्जन करना साधन का उद्देश्य नहीं है। साधन का उद्देश्य क्या है? यदि स्वीकृति अर्जन करना उद्देश्य नहीं है तो निश्चय ही कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भाषा में कहा जाए, वो कहते हैं कही बारे कथा न है, कहीने केहो ना बुझे, एछे चित्र चैतन्य रंग। देखो एक और तो उन्होंने कह दिया कि समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं फिर भी बैठकर सुन लो, उससे भी सुनी नहीं बड़ा हो हित, उससे भी हित होगा। किंतु ये मुख्य उपदेश नहीं है, ये साधारण श्रोताओं को उन्होंने कह दिया। अच्छा मैंने जिस रस का परिवेशन किया, संभव है इसको तुम समझ ना सको, तो सुन लेना, सुनने पर भी कुछ मंगल होगा, स्वीकृति मिल जाएगी। किंतु एक बड़ी विशेष बात कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जिसको हमारे गुरु महाराज जी कहते थे बड़ा बल देकर कि केवल स्वीकृति से संतुष्ट मत हो जाओ। तो गुरु महाराज जी क्या कहते थे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भाषा में कि देखो कविराज गोस्वामी जी ने एक और भी बात कही है। क्या बात? वो कहते कही बारे कथा न है, कही ले केहो ना बुझे, एछे चित्र चैतन्य रंग। अरे क्या महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करें, इसको कौन समझेगा? ये तो कहने की बात नहीं है, यदि कह भी दे तब भी इसको कौन समझेगा। तो कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी मूल्यवान एक बात कही, सही से बुझीते पारे वो समझेगा, चैतन्य रे कृपा जारे, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हय तार दासानुदास संग, उसको कौन समझ में आएगा। पहले तो कहते हैं किंतु यदि कह भी दे तो भी इसको समझना बड़ा कठिन है। ऐसे चित्र चैतन्य रंग, ऐसी महाप्रभु जी की लीलाएं हैं, समझ में नहीं आएगा। पद्धति क्या है वो कृपा जा रहे भय तार दासानुदास संग, जिनको महाप्रभु जी के उन दासानुदासों का संग मिलेगा ना, वो महाप्रभु समझ पाएंगे, उसमें प्रवेश कर। इसीलिए कितने लोग जान सके प्रभुपाद जी के विचार को, कितने लोग जान सके प्रभुपाद जी के विचार के लिए हमारे परम गुरु महाराज जी एक बड़ी आदर्शवान बात कहते थे। वो कहते थे प्रभुपाद जी ने इतने सारे इतना उन्होंने कर दिया, किंतु परम गुरु जी बड़ी मूल्य, वो कहते थे विचार का बाह्य समझ में आया, प्रभुपाद आकार है, हम प्रभुपाद जी के विचार के इस बाह्य आकार की भक्ति करने क्या करेंगे, और के आंतरिक विचार हैं वो अपना जीवन। एक छोटी सी बात में प्रभुपाद जी की हम बतला रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी के मुख से हमने सुनी क्या उनका विचार था, और इस विचार को कितने लोग समझ सके, इस विचार को कितने लोग हृदय में धारण कर सके। जिन्होंने धारण किया उनको प्रभुपाद जी के वास्तव विचार वास्तव स्वरूप का दर्शन हुआ। समझना थोड़े से समय के लिए बड़ा सुगंभीर विचार। प्रभुपाद जी काशी में थे कभी, हमने पहले भी कहीं से भेंट करने के लिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट जो जज थे उनका नाम था राय बहादुर बसु, वो प्रभुपाद जी से भेंट करने के लिए आए, बड़े गणमान्य व्यक्ति थे। और उनके एक मित्र थे, किसके मित्र थे, राय बहादुर बसु जो कि डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनके एक मित्र थे जो सिविल इंजीनियर थे, वो थे महाप्रभु के भक्त, वो थे महाप्रभु किसी जाति गोस्वामी के आश्रित थे। समझ में आ रही तो बात, जब नहीं समझ में आए बतलाना हम दोहरा देंगे, किसी जाति गोस्वामी के आश्रित थे। उनकी एक बेटी थी, बस एक बेटी, वो अस्वस्थ हो गई और मरने की अवस्था आ गई, मरणासन्न हो गई। तो उन्होंने क्या किया, रात दिन अपने घर में महाप्रभु जी का कीर्तन आरंभ कर दिया, दिवा रात्रि भोग राग, क्षण क्षण में 64 भोग 56 भोग लगने लगे। तो ये राय बहादुर बसु ये सारी बात अपने मित्र की किसको बता रहे हैं, प्रभुपाद जी को बता रहे हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, समझ में आ रही तो बात, उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, कहते कि मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर में गया,
मैंने उनसे पूछा, अरे आपकी तो महाप्रभु के चरणों में इतनी भक्ति थी, अब क्या हो गया? मैंने उनके घर में जाकर देखा, उनकी नष्ट हो गई। आपकी महाप्रभु उत्तर दिया मुझको, महाप्रभु डाप्रभु नाम की कोई वस्तु जगत में नहीं है, जगत में होती तो भक्ति की, वो मेरी बेटी को मार करके दुख क्यों देते? समझ में आ रही बात? मेरी बेटी को मारकर मुझको इतना दुख क्यों देते? उल्टा वो मेरी बेटी को यदि बचा देते, संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठा हो जाती, संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठा हो जाती। अरे महाप्रभु कितना प्रार्थना को सुनने वाले हैं, जो भी महाप्रभु जी से प्रार्थना करो वो झट उसको सुनते हैं, तो कितना महाप्रभु का प्रचार हो जाता, तो उनकी महाप्रभु के प्रति भक्ति चली गई। प्रभुपाद जी ने जब इस बात को सुना, कुछ क्षण के लिए मौन धारण किया, उसके पश्चात उत्तर दिया। इस उत्तर में प्रभुपाद जी का विचार समझ में आएगा, यदि हम समझ सके। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हम जिन महाप्रभु जी के चरणों के आश्रित हैं, हम जिन महाप्रभु जी के चरणों की भक्ति करते हैं, वो आपके मित्र जो सिविल इंजीनियर हैं, उनके बागान के माली नहीं हैं। समझ में आई बात? उनके बागान के माली नहीं, अर्थात कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर। हम आदेश करेंगे, हमारी बेटी मरने वाली, हम आपको भोग दे रहे हैं, आप हमारी बेटी को बचा दो और महाप्रभु बचाएंगे, तो क्या हुआ? हम आदेश करने वाले हैं और महाप्रभु आदेश का पालन करने वाले हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने कौन से महाप्रभु जी का आश्रय ग्रहण किया? हमने श्रीनिवास पंडित जी के महाप्रभु का आश्रय ग्रहण किया। श्रीनिवास पंडित जी का आदर्श क्या है? उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, महाप्रभु जी का संकीर्तन चल रहा है, श्रीनिवास पंडित जी भीतर गए घर में और क्या कहते हैं अपने, उन्होंने प्रभु बाह्य भंग हो गया, पुत्र मर गया, मरने दो, यदि मेरे महाप्रभु का कीर्तन भंग हो गया, कितनी ऊंची बात, इसको कहते हैं आदर्श, ये है सेवा का आदर्श। और प्रभुपाद जी कहते हैं महाप्रभु जी उनके प्रेम में कैसे बंधे हुए हैं, महाप्रभु कहते हैं पुत्र शोक ना जानी लो जेई मोर प्रेम है नो सब संग मुई झाड़ी मु कहने, महाप्रभु जी रोते हैं श्रीनिवास पंडित जी के लिए, जी के गले को पकड़ कर करने के लिए जा रहे हैं, बताया नहीं श्रीनिवास पंडित जी को, केवल 5 लोगों को बताया, जानते हैं ये मेरे विनय को सहन नहीं कर पाएंगे, तो क्रंदन कर रहे हैं, क्यों क्रंदन? प्रभुपाद जी कहते हैं हमने कौन से महाप्रभु जी का चरणों का आश्रय ग्रहण किया, जो महाप्रभु स्वयं कहते हैं आशीनस्य वा पादरताम तिनष्टु माम अदर्शनान मर हतम करो तुवा यथा तथा वा विद धातु लंपटो मत प्राण नाथ अस्तु सैव नापर। अरे हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे प्रति दृष्टिपात करो मत करो, ब्रज गोपियों का जो आदर्श है सूरत नाथ दे अशुल्क दासी का, हम आपसे प्रेम करेंगी, आप हमसे प्रेम करो अथवा मत करो। इससे हम वर्ष की गुरु जी कुछ अस्वस्थ लीला कर रहे थे और प्रातःकालीन भ्रमण के पश्चात आकर बैठे थे। भक्ति क्या है? गुरु जी दो क्षण के लिए तो मुख नीचे करके रहे, फिर ऊपर उठकर कहते हैं बड़े गंभीर कंठ से कहा, भक्ति क्या है? ये बतलाते बतलाते मैं गया। ये गुरु जी के शब्द की बात है। सारा जीवन भी प्रकट लीला आविष्कार कर रहे थे, कहते कहते मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया है, हमने तो वाक्य प्रश्न चिन्ह है, हमने मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संघ दिया, सुन भी दिया, उन्नत साधु संघ है क्या? उन्नत साधु संघ है क्या? कुछ शास्त्र में प्रवेश करेंगे ना जब उपलब्धि कर पाएंगे। षट संदर्भ लिखा जीव गोस्वामी जी ने, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय का PhD लेवल का ग्रंथ है, यदि पढ़ोगे कभी न जाने कितने लोगों की रुचि होगी पढ़ने में, और फिर पढ़कर भी उसमें प्रवेश कर पाएंगे वो बड़ा दुर्लभ व्यापार है, किंतु यदि किसी का प्रवेश हो गया, कहां से उठाकर रूप जीव गोस्वामी पाद प्रीति संदर्भ में अंत में श्रीमती राधिका कैसी अद्भुत महिमा उन्होंने कही, कैसी अद्भुत महिमा, जान सकेंगे गुरु महाराज जी ने कितना उन्नत साधु संघ हमको दिया। ये श्रीमती राधिका की महिमा समस्त शास्त्रों का सार है, चूड़ामणि है। श्री बृहद भागवतामृतम लिखी सनातन गोस्वामी पाद ने, क्यों लिखी? श्रीमती राधिका यदि कोई पढ़े और उसमें अनुभव करे
प्रवेश करें उसमें, गोता लगाए उसमें, तब जान पाएंगे पद्य श्रीमद् भागवत वेदव व्यास जी ने लिखी, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने उसकी टीका लिखी। 10 वर्ष होने को आ गए उनको, क्या हमारे मुख से बात निकलती है आप कितने वर्ष और मौन धारण करके रहेंगे? यदि आप ही मौन धारण कर लेंगे हमारे मंगल की बात और कौन कहेगा, हमारे मंगल की बात और कौन कहेगा? गुरु महाराज जी तो अभी भी है, चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहते थे, एक सचल जगन्नाथ है एक अचल जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी का जो श्री थी वो बातचीत करता, बातचीत भक्तों के साथ में करते हैं, किंतु महाप्रभु जी बातचीत करते हैं, शासन करते हैं, सब स्वरूप है, सचल लीला कर रहे हैं, सचल लीला कर रहे हैं, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं? वो अचल लीला कर रहे हैं, मौन धारण करके बैठे हैं। क्रंदन ही ना हो, हम रोए ना उनके लिए, आप कब तक मौन मंगल की बात नहीं करेंगे? और हमारे परिमाण में आपको समझ परिमाण में पा रहे हैं, आप ही हमको बतलाएंगे। हम तो अपने अनुसार ठीक ठीक कर रहे हैं सारी सेवाएं, किंतु कौन जज करेगा? इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, बाबा जी महाराज जब अप्रकट हुए प्रभुपाद जी ने बड़ा क्रंदन किया उनके लिए। प्रभुपाद मेरे गुरुपाद पद्म श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, आज उनका प्रकट दिवस है। मैं क्रंदन इसलिए कर रहा हूँ कि अपने आदर्शमय चरित्र के द्वारा वो जो सदा सर्वदा मेरा मार्गदर्शन करने वाले थे, अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा? जब कृष्ण चले गए अपने धाम को, अर्जुन लौटे वापस, युधिष्ठिर महाराज ने देखा अर्जुन का मुख बुझा हुआ है, पूछा अरे क्या हो गया, बड़ा तुम्हारा मुख मलिन लगता है, मलान लगता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, वंचितोऽस्मि महाराज गुरुणा बंधु रूपिणा। अर्जुन ने रोते हुए उत्तर दिया, वंचितोऽस्मि महाराज गुरुणा बंधु रूपिणा, अरे प्रभो हम वंचित हो गए, गुरुणा हमारे गुरु स्वरूप बंधु स्वरूप कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। ऐसा क्रंदन क्या है हमारे हृदय में? यदि क्रंदन नहीं होगा, यदि रोएंगे नहीं गुरु महाराज जी के लिए, कैसे उनका स्वरूप प्रकाशित होगा? कैसे वो अपने मौन को तोड़ेंगे? यदि हम ही नहीं चाहते कि वो अपने मौन को तोड़े, तो वो कैसे अपने मौन को तोड़ेंगे? ऐसा मत समझिए कि वो मौन को नहीं तोड़ सकते, अवश्य तोड़ेंगे। गुरु महाराज जी हरिद्वार में थे और कथा प्रसंग में उन्होंने इस बात को कहा, बातचीत चल रही थी, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, जाते थे और वहां से हरिद्वार में 2-3 दिन का कार्यक्रम होता था। गुरु जी ने कथोपकथन में बड़े सरल शब्दों में इस बात को कह दिया, मुझको जब भी कोई प्रश्न होता है, कुछ पूछना होता है, परामर्श करना होता है, मैं अपने गुरु जी से पूछ लेता हूं और गुरु जी उत्तर दे देते हैं। बड़े सरल शब्दों में कह दिया गुरु जी ने, तो इसमें कुछ तो आंतरिकता है, हमको भी लक्ष्य करना होगा। तो भैया यदि क्रंदन नहीं करेंगे, यदि रोएंगे नहीं गुरु पाद पद्म के लिए, श्री वामन गोस्वामी महाराज जी कहते, तो रोना सीखो, रोना सीखो, रोना सीखो। जितने परिमाण में हम क्रंदन करना सीखेंगे, रोएंगे, और ये क्रंदन बाह्य ना हो, ये क्रंदन बाह्य ना हो, ये आंतरिक क्रंदन हो, भीतर में हो उस वस्तु के लिए, भीतर में उस वस्तु के लिए क्रंदन हो। कितने परिमाण में हम कह रहे हैं, परम गुरु जी कहते थे, कथा वक्तता में तो हम कुछ एक आंसू बहा देते हैं, कथा वक्तता के समय कुछ एक भाव हम प्रकाशित कर देते हैं, किंतु श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे इस बात को, एक बार एकांत में जाकर अपने हृदय में हाथ रखकर पूछो, कितना मेरा गुरु चरणों में अनुराग हुआ है। हृदय उत्तर दे देगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे इस बात को, अपने एकांत में जाकर हृदय पर हाथ रखकर पूछो, कितना मेरा गुरु चरणों में अनुराग हुआ है, तुम्हारा हृदय उत्तर दे देगा तुमको, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा कितना अनुराग हुआ है गुरु पाद पद्म, कब तक मौन धारण करके रहेंगे, हमारा कितना क्रंदन है। यदि सम्मिलित होकर के हम क्रंदन करेंगे, यदि सम्मिलित होकर एक जैसी भावना हो, गुरु महाराज जी बस मध्य में हो, हमारे साधन का, भजन का, सेवाओं का, सब कुछ का मूल आधार यदि गुरु जी हो, बीच में गुरु महाराज जी हैं, और उनको लेकर के यदि हमारा क्रंदन है। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी क्रंदन करते थे, क्या उनकी भाषा, क्या उनके भाव हुआ करते थे। कहते थे कर्म फल से, कैसी दीनता थी उनकी, कहते थे कर्म फल से मैंने वो प्रीति रत्न प्रभु को खो दिया। परम गुरु जी को टाइटल दिया प्रभुपाद जी ने प्रीति रत्न। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी रोते थे, मैंने कर्म फल से भाके, खराब है मेरा कपाल, कोड़ा है मेरा, जला हुआ है, जो मैंने कृति रत्न प्रभु को खो दिया। ये गुरु वर्गों ने दिखलाई है, ये दीनता, ये संबंध है उनका। हम यदि करंदन ना करें, कैसे गुरु पाद पद्म अपने मौन तोड़ेंगे? कौन हमारे मंगल की बात कहेगा? साधन हो रहा है, भजन हो रहा है, उपलब्धि हो रही है कि नहीं, कौन कहेगा मंगल की बात को? गुरु पाद पद्म हमारे बीच में अभी भी है, नित्य विराजमान है, बस अंतर इतना है, पहले वो वार्तालाप करते थे, अब वो वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। तो हमको साधन भजन करके इस अवस्था में पहुंचना है कि वो हमसे वार्तालाप करें, हमारे मंगल की बात कहें, किंतु वो होगा कैसे?
जितने परिमाण में प्रभुपाद जी कहते थे हम निष्कपट हो सके, जितने परिमाण में हम आंतरिक हो सके, उतने परिमाण में गुरु का हृदय में आत्म प्रकाश होगा। इसके लिए साधन है, समय बहुत हो चला है, बस कहना तो कुछ और था किंतु यह कुछ और दिया। जो भी हो, ये हमारी भागवत पत्रिका है, हमारे गुरु महाराज जी ने दायित्व लेकर के इस भागवत पत्रिका को हिंदी में प्रकाशित करना आरंभ किया था। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी चैतन्य चरितामृत के अंत में इस बात को लिखा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अंत में लिखा है, पूरी चैतन्य चरितामृत लिख दी और अंत में क्या कह रहे हैं, श्रोतार पद रेणु करी मस्तक भूषण तोमराय अमृत पीले सफल होवे श्रम। वो कहते हैं देखो मैंने तो चैतन्य चरितामृत पूरी लिख दी किंतु तुम्हारे चरणों के धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण करके कहता हूँ यदि तुम इस अमृत का पान करोगे मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। तो ये हमारे गुरु महाराज जी ने बड़े परिश्रम से परम गुरु जी की शिला प्रभुपाद जी की इच्छा को जानकर इस भागवत पत्रिका का हिंदी में अनुवाद करना आरंभ किया। उसी परंपरा क्रम से गुरु महाराज जी के आश्रित लोग बड़े परिश्रम के साथ में इस भागवत पत्रिका में परम गुरु जी के शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के प्रभुपाद जी के भक्तिनोद ठाकुर जी के जिन सब महापुरुषों का नाम और महिमा हम लोग श्रवण कर रहे हैं उनके आर्टिकल्स बड़े सुंदर सुंदर प्रबंध इसमें छपते हैं। जो लोग इसके सदस्य नहीं हैं वो संबंधित व्यक्तियों से जो भागवत पत्रिका की सेवा करते हैं उनसे उनके निकट में जाकर के हमारे अमर कृष्ण प्रभु जी हैं हमारे गोकुल चंद्र प्रभु जी हैं उनके निकट में जाकर इस भागवत पत्रिका की सदस्यता को वो लोग ग्रहण कर लें उन सबके चरणों में हमारी प्रार्थना है। और बस इतनी प्रार्थना है कि प्रतिदिन गुरु महाराज जी की समाधि पर समय पर उपस्थित होकर इन सब विचारों को श्रवण करें गुरु महाराज जी के साथ में संबंध हम लोग अधिक से अधिक अपना गाढ़ा करें तभी हमारा क्या होगा परम मंगल होगा। गौर प्रेमानंदे हरि। ये संजय जी जिस चैतन्य चरितामृत का बार 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 वर्णन करते हैं उदाहरण देते हैं लोभ जलाते हैं हम उसका हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया है। आप लोगों ने परसों मिस कर दिया हमने ऊपर उसका अनावरण किया क्या कहते हैं उसको विमोचन किया था चैतन्य चरितामृत आदि लीला हिंदी में हमारी आ चुकी है उसके दो भाग मध्य लीला उसके भी दो भाग आ चुके हैं और ऊपर बुक शॉप में मौजूद है। अब इसकी भी महिमा सुन लो कुछ कृष्णदास कविराज जी ने इतने मीठे 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 प्यार लिखे हैं क्या लिखे हैं यार प्यार बोलने दो प्यार लिखे हैं इतने से प्यार लिखे हैं इतने प्यारे प्यारे क्या लिखे हैं प्यार दिए हैं हमको प्यार वो छोटा सा भी सुन लो तो मजा आ जाता है। और उसके ऊपर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने समुन्दर और आसमान से भी गहरी टीका लिख दी है और उसका नाम अनुभाष्य। फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी अपनी उसमें टीका लिखी वो भी बड़ी वो मधुर है उसमें चीनी घोल के अमृत प्रवाह करके लिखी। फिर हमारे अलग अलग आचार्यों की टीकाओं को सम्मिलित करके फिर एक और टीका लिख दी गई है। तीन तीन टीकाओं से ये सार गर्भित हुई चैतन्य चरितामृत ऊपर पड़ी है मिल रही है पर मजा ये है कि कोई लेने वाले नहीं क्या मजे की बात है कि कोई लेने वाले नहीं क्या मतलब है कि हैं ऊपर किया था तो आप लोग उसको मिस नहीं करना ये शिकायत करना कि सारी खत्म हो गई फिर हम सोचेंगे कौन ये शिकायत ज्यादा है लाए नहीं अभी जो छपी है उसकी 50 कॉपियां खाली आई हैं बाकी जाओ इससे पहले खत्म हो जाए। और जो पहली पढ़ी है आदि लीला की पहली और दूसरी और इसकी क्या किसी मध्य की मिस नहीं करना है 300 रुपये 300 रुपये अगर 500 रुपये दोगे तो 200 वापस भी मिलेंगे।
वो जरूर लेना है ऊपर चल के चैतन्य चरितामृत। देखिए प्रभु जी एक बात कह रहे हैं कि मजे की बात है कि कोई ले नहीं रहा है, ऐसे ही है तुम क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। किंतु बात क्या है, ये दायित्व तो हमारे ऊपर भी है, कोई लेने वाला क्यों होगा। जब हम वस्तु का स्वयं आस्वादन करेंगे, जब हम वस्तु में स्वयं प्रवेश करेंगे, जब हम स्वयं पढ़ेंगे और जन साधारण से उसका परिचय करवाएंगे तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। यदि हमको गुरु पाद पद्म की कुछ उपलब्धि हुई है तभी तो हम दूसरों को उपलब्धि दे सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे, गुरु किसको कहते हैं, जिसको जो भगवान की जिसको उपलब्धि है और जो दूसरों को उपलब्धि करा दे वो गुरु है। तो सबसे पहला दायित्व तो हमारा है, हम अध्ययन करें, अनुशीलन करें, गुरु वैष्णव की कृपा से उपलब्धि करें, उसमें प्रवेश करें, और जब हम उसका परिवेशन करेंगे स्वाभाविक रूप में रुचि जागृत हो जाएगी। इसमें दायित्व तो दोनों ओर का है, तो पहला दायित्व तो हमारा है और दूसरा दायित्व तो किसका है, दूसरा दायित्व तो आपका है। किंतु अब समस्या ये है, आपको अधिक समय नहीं है, इसलिए आप लोग खरीद लीजिए, एक साथ में दायित्व को पालन करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरे। महाराज जी बता रहे हैं कि 8 तारीख को हम लोग एक चक्कर जा रहे हैं, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी, रामचंद्र प्रभु जी भी जाएंगे, सभी भक्त लोग जा रहे हैं। जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे उसी के अनुसार में प्रसाद की व्यवस्था होगी, जाने की व्यवस्था होगी। जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के बिना बताए जाएंगे फिर सभी भक्त लोगों को असुविधा होती है, इसलिए कृपया सभी लोग अपना नाम लिखा दीजिए अनिरुद्ध प्रभु जी के निकट में, जिससे हम सुव्यवस्था कर सके, आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। नित्यानंद प्रभु जी के धाम सबको अवश्य ही जाना चाहिए। जब भक्त लोग व्यवस्था भी कर रहे हैं, सुंदर हरि कथा होगी, कीर्तन होगा, उसी से हमारी धाम परिक्रमा पूर्णता को प्राप्त करेगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा। हमारे गुरुदेव का जो सेंटेनियर को श्री बंसी वदन प्रभु उड़ीसा में बड़ी हाई फाई रूप में बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। उड़ीसा में 3 दिन तक सारे वैष्णवों को बुलाएंगे और गुरुदेव का जितने लीलाओं को उन्होंने सुंदर सुंदर मूर्ति बनाए, गुरुदेव कहाँ पर जन्म हुए, कहाँ प्रचार किया, क्या नहीं किया, बहुत अच्छे तरह से हाई फाई रूप में। उड़ीसा से बड़े बड़े मंत्री लोग भी आएंगे, बड़े बड़े संत लोग भी आएंगे, वैष्णव लोग आएंगे, वो 14, 15 और 16 ऐसे ना, 14, 15 और 16 3 दिन तक बड़े हाई फाई रूप में उड़ीसा में करेंगे। फिर हम लोग जगन्नाथ पुरी भी हमें जा रहा हूँ, 10 तारीख को बस में मैं जाऊँगा और 11 तारीख को पहुँचा 11, 12 और 13, ये 3 दिन तक हम लोग पूरा उड़ीसा को दर्शन, श्री जगन्नाथ पुरी दर्शन करेंगे। जाते समय बीच में जो खीचड़ा गोपीनाथ, अब नाम सुने होंगे, जो गोपीनाथ को स्वयं भगवान राम अपना हाथों से वो मूर्ति बनाई थी, जिस समय राम लक्ष्मण सीता का वनवास हो गया, ऋषि मुनियों का आश्रम के पास में रहते थे, आंधी तूफान आ गई, गैया इधर उधर भाग रहे थे, जब श्री रामचंद्र मुस्कुरा रहे थे, इतने में मैया सीता ने पूछा, भैया आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, बोले मैं द्वापर युग में श्री नंद के लाला बनकर के आऊंगा और इसी समय तो तुम मेरी अकेली पत्नी हो, उस समय तो मैं 100 करोड़ गोपियों को साथ प्रयास करूंगा, इतने गोपी होंगे, बोले हाँ, और मेरे बाल गोपाल भी होंगे, इसलिए इनको साथ में मैं लीला करूंगा। बोले प्रभु थोड़ी सी मेरे को दिखाओगे कृष्ण लीला कैसे, आपका कृष्ण मूर्ति कैसे होगा। भगवान राम बोले 7 दिन को बाद में मैं तेरे को दिखाऊंगा। राम एक कदरा को अंदर में गए, अपना हाथों से वो मूर्ति बनाया। बोले द्वापर युग में राम कैसे कृष्ण बन करके आएंगे, वो स्वयं भगवान राम अपना हाथों से बनाया, चारों मुष्टिक बनाए, ग्वाल बाल सखा सखियों को बनाए एक पत्थर गोबर में, और जाते समय वो ठाकुर को दर्शन करते हुए जाएंगे, और उन्होंने पहला नाम था गोपीनाथ। लेकिन जब श्री माधवेंद्र पुरी वहीं पर आए, इनके मन में इच्छा हुई, इतना सुंदर खीर भोग लगता है अमृत गली, अगर ऐसे स्वाद मेरे को पता चलता तो मैं भी अपना ठाकुर को भोग लगाता, इसलिए ठाकुर जी उनके लिए ये खीर चोरी किया, तब से इनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अगर जिसको चोर बोलते ना डंडे मारने आ गया आपको, लेकिन ठाकुर जी को सबके सब चोर चोर बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी खड़े होकर मुस्कुराते हैं, बोले क्यों, हाँ चोरी तो किया, लेकिन किसके लिए मैंने चोरी किया, मेरे भक्तों के लिए चोरी किया, इसलिए बीच में उसको भी दर्शन करेंगे। दर्शन करते हुए
हम लोग साथियों का दर्शन करेंगे, फिर पूरी में तीन दिन रह करके फिर उसको बाद में जो सेंटेनियर गुरुदेव के लिए विशाल रूप में कर रहे हैं हम उसमें अंश ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जिनको इच्छा हो बस में जाने का वो ऐसी बस हमने किया है पूरा ऐसी, जो जाने का इच्छा करते हैं उन लोग अपना नाम लिखवा सकते हो मेरे पास में, फिर हम कहीं से ही गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। जो तीन दिन पूरी में रह करके वापस आ जाना चाहते हो आ जाए, और जो चाहते हैं उसको बाद में और तीन दिन प्रोग्राम अटेंड करें गुरुदेव की, वो भी अटेंड कर सकते हैं। इताय गौर प्रेमानंदे हरि। आज कल एकादशी है, कल एकादशी में सब का एकादशी व्रत करना और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम, कम से कम कोशिश करना 1,00,000 से कम हरिनाम नहीं हो। अब विशेष कर धाम में महाप्रभु का धाम में एक माला करना 100 माला की फॉलो करने का करने का फल मिलता है। कल एकादशी फिर नवती परिक्रमा का समय नहीं, महाप्रभु जन्म उत्सव उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा कल हरिनाम करना, और सबके सब यहाँ पर शाम कितना बजे आ जाए 5 बजे आ जाए, कोई नहीं महाराज शिकायत करने वाले कोई, मैं आ गया था 5 बजे, वक्ता आ गया, श्रोता भी आई नहीं, इसलिए कल सबके सब यहाँ पर 5 बजे आ जाओ। सब भक्तों ने अपना अपना दृष्टिकोण से महाप्रभु के अवदान को विषय पर सबके सब बोलेंगे, ठीक है सभी सब घर खड़े हो जाओ और कीर्तन करेंगे फिर से। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साईं गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साईं
I'm gonna go to the hospital.